दिखा रहे हैं ऐसा लगता है। क्या है? कई क्लासरूम से हमारे साथियों ने व्यवस्था कर रखी है सर विद्यार्थियों के लिए। सुविधा हो तो ज्वाइन करने में क्या हो? जी जी मीना मैडम। जी सर। तैयार हो गए? जी सर। ओके ओके। जैसा कि हमारा आज जो समय निर्धारित किया था 1 बजे, हमारा समय अब हो चुका है, तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय सर से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति लेना चाहती हूँ। सर अनुमति? अवश्य मैडम। जी सर, थैंक यू। मैं मीना ठाकरे आज के इस कार्यक्रम में, इस विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में भूगोल विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में डायनामिक साइंस ऑफ ज्योग्राफी विषय को लेकर हमारे विषय विशेषज्ञ परम आदरणीय डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सर को मैं एक बार पुनः सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। जैसा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा है, हम हमेशा से किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ वादवादिनी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ करते आए हैं, तो आज इसी कड़ी में हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती वंदना के पश्चात, जैसा कि भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, इसी कड़ी में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि व विषय विशेषज्ञ परम आदरणीय डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर के स्वागत हेतु हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, भूगोल विभाग के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक आदरणीय डॉक्टर आर पी यादव सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर आर पी यादव सर। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय के भूगोल विभाग के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे महाविद्यालय के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है, जब हम ऐसे विषय पर रसा ज्ञान का रसा स्वादन करने जा रहे हैं जो प्रायः हम भूगोल के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए रोज सीखने का है, मनन करने का है और उस दर्शन जो भूगोल की आत्मा है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ये न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हमारे अल्प निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर आदरणीय डॉक्टर शर्मा सर ने जो अनुग्रह किया है हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, विद्यार्थियों को मैं बधाई भी देता हूँ और आदरणीय शर्मा सर का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से भी हमारे भूगोल के आदरणीय मित्र लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। इस अवसर पर हमारी आयोजक टीम IKC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी, हमारी को कन्वीनर श्री राम प्रकाश ढेरिया जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मीना ठाकरे जी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रघुवीर उइके जी और दुजारी बौसम जी, जो हमारी भूगोल विभाग की पूरी टीम है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम भूगोल जगत में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए ज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग ज्ञान का रसा स्वादन करने के लिए आतुर हैं। इस मौके पर सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स मध्य प्रदेश विभिन्न कोनों से जुड़े हैं, सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने प्रमुख वक्ता श्रद्धेय प्रोफेसर SK शर्मा सर को पुनः स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत स्वागत सर, आप इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध हुए हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू यू मीना। थैंक यू सर। प्राचार्य महोदय सर के स्वागत वक्तव्य के पश्चात अगले उद्बोधन हेतु मैं महाविद्यालय की IKC प्रभारी व समाज स्वास्थ्य तिवारी मैडम को आदरणीय तिवारी मैम। थैंक यू मीना मैडम। सर्वप्रथम मेरा चरण स्पर्श डॉक्टर शर्मा साहब को कि आप हम लोग से जुड़े हैं और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं IKVC की पूरी टीम की तरफ से मीना मैडम और प्राचार्य महोदय जो कन्वेनर हैं आज के, उनको बधाई देती हूँ। राम प्रकाश डेहरिया, कविता चहल, तुजारी बोसम सर, जिन्होंने मिलकर इतना अच्छा आयोजन किया, और सबसे बड़ा आकर्षण है इसका कि हमारे साथ शर्मा सर जुड़ रहे हैं, उनको पुनः मुझे सुनने को मिलेगा, इससे पहले भी दो बार मैं सुन चुकी हूँ, और आपके विषय में तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके विषय में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और आपसे सुनने के लिए ही हम लोग आतुर हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और सर आपका आशीर्वाद और आपका आशीष वचन सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब और हमारी पूरी टीम बहुत ही उत्सुक है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः प्राचार्य महोदय सर से आग्रह करती हूँ कि परम आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर को उनके परिचय के साथ व्याख्यान हेतु आमंत्रित कीजिए। प्राचार्य महोदय सर। धन्यवाद मैडम। वास्तव में भूगोल में डॉक्टर शर्मा सर का परिचय, उनका नाम ही काफी है, डॉक्टर श्री कमल शर्मा। भूगोल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब आपसे पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी अभी महाविद्यालयों में आए हैं, वो आपकी किताबें पढ़ रहे हैं, उनके बारे उनको जानने के लिए, आपके बारे में जाने, इसके लिए मैं आपके बारे में संक्षिप्त कहना का प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय शर्मा सर का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को सीधी जिले के लौआ
ग्राम में हुआ। आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए पीएचडी है, आपने ग्रेट ब्रिटेन में एक साल शोध अध्ययन किया है, 1 अगस्त 1970 को आपको सागर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपॉइंटमेंट मिला था, तब से लेकर 2007 तक आप भूगोल विभाग में सेवाएं देते रहे। 30 सितंबर 2007 को भूगोल के प्रोफेसर पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। 2003 से 2007 तक आप संचालक जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, उसके संचालक के रूप में आपने कार्य किया है। आप यूजीसी एमेरिटस फेलो भूगोल विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में रहे हैं। सिविल सर्विसेज इथियोपिया में आप 2010 से 2013 तक आपने रिसर्च प्रोफेसर के रूप में काम किया है। राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आप अगस्त से अक्टूबर 2017 तक आपने काम किया है। 40 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव में आपने भूगोल को बहुत सेवाएं दी हैं और 2013 के बाद भी आप निरंतर सक्रिय रहते हुए भूगोल के क्षेत्र में हमेशा आप सक्रिय हैं और हम जैसे लोगों को लगातार आप भौगोलिक ज्ञान से भूगोल जगत में ज्ञान बिखेर रहे हैं। आपकी अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, आपको राष्ट्रीय प्रावीण्य छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्राप्त हुई थी, यूजीसी स्कॉलरशिप फेलोशिप पीएचडी हेतु प्राप्त हुई थी, कॉमनवेल्थ अकेडमिक स्टाफ फेलोशिप 79-80 में ग्रेट ब्रिटेन के नारिच विश्वविद्यालय में पीएचडी उपरांत शोध हेतु आपको प्राप्त हुई थी, यूजीसी द्वारा शोध परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, यूजीसी का प्रतिष्ठित करियर अवार्ड आपको 1986-88 में प्राप्त हुआ है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा मेजर शोध प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान से 2009 में आपको सम्मानित किया गया है, यूजीसी के एमेरिटस फेलोशिप से सम्मानित आप हैं 2009 से 2011 के मध्य में। आपके निर्देशन में लगभग 18 विद्यार्थियों ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की है, आपके द्वारा लिखित और संपादित पुस्तकें 15 हैं, प्रकाशित और संगोष्ठियों में पढ़े गए शोध पत्रों की संख्या लगभग 200 है, आपने सेमिनार वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज में 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज में आपने पार्टिसिपेट किया है, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित जनसंख्या अनुसंधान केंद्र के संचालक के रूप में 14 रिसर्च प्रोजेक्ट का संचालन आपके द्वारा किया गया है। हम लोग भूगोल के विद्यार्थी आपकी तमाम पुस्तकें पढ़ते आए हैं, उनमें से कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, मानव एवं आर्थिक भूगोल, रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, ट्राइबल इंडिया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, स्पेशियल फ्रेमवर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भूगोल का परिचय एवं मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, संसाधन भूगोल, बृहद आर्थिक भूगोल, भारत का बृहद भूगोल, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, ढेर सारी लिस्ट आपकी है। इतनी किताबें जो आज के विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी पूर्व में अध्ययन किए हैं और आज के विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं। शोध के क्षेत्र में आपकी अन्य उल्लेखनीय योगदान है, वर्ष 1969 से 1975 तक पीएचडी हेतु आप शोधरत रहे, संपूर्ण सेवा काल में शोध में संलग्न तमाम शोध पत्रों और शोध ग्रंथों के रूप में उसकी परिणति हुई है, कॉमनवेल्थ अकेडमिक स्टाफ फेलोशिप प्राप्त हुई है आपको, यूजीसी करियर अवार्ड, बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान महू द्वारा संचालित हस्तकला कलाकारों की जनगणना के दौरान सागर एवं दमोह जिले के प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का काम आपके द्वारा किया गया है। इसके अलावा तमाम पाठ्येतर गतिविधियों में आप संलग्न रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है, भौगोलिक संगठन है, उनकी आजीवन सदस्यता आपकी रही है, नागी आईआईजी, द ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता, इसके अलावा डेक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी आदि के आप आजीवन सदस्य हैं। इतनी महान विभूति को अपने बीच पाकर आज बिश्वा महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक स्टाफ और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से
जो लोग भूगोल के हमारे साथ जुड़े हैं सब आह्लादित हैं और आपको सुनने के लिए आतुर हैं। आपका जो योगदान है भूगोल के क्षेत्र में बहुत लंबा है, थोड़ा बहुत चुरा कर हमने सबके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर हमसे कुछ गुस्ताखी या कुछ कमी रह गई हो सर तो हमें क्षमा कीजिएगा। यह सूरज को दिया दिखाने का प्रयास मैंने किया है। यह हमारे नए विद्यार्थियों के लिए जरूर समझने की जरूरत है कि आज हमारे बीच में जो हमारे संसाधन पुरुष हैं वो उनका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय छोटे रूप में जो हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इससे उनको समझ में आ गया होगा कि वो ज्ञान के किस सागर से आज ज्ञान का रसास्वादन करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आपको बड़ी विनम्रता के साथ इस मंच पर अपना वक्तव्य रखने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शर्मा सर, स्वागत है। इससे पहले कि मैं निर्धारित विषय पर आपसे चर्चा करूं, मेरा दायित्व है कि मैं सबसे पहले प्रोफेसर यादव को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद दूं। और केवल अवसर नहीं, उन्होंने हमारे विषय में इतना सारा कह दिया जो साध है नहीं। और मैं तो सोच रहा था कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप सब हमें देखेंगे तो लगेगा कि तो इनने बड़ा ऊंचा पर्वत बनाया था, अब ये तो एक छोटी सी पहाड़ी भी नहीं निकले, तो इस दृश्य से नहीं देखे। फिर भी मैं प्रोफेसर यादव को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अवसर दिया, साथ ही उनके टीम को। आप सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, न रखने की जरूरत भी नहीं है। मैं सभी अपने लग भ्राता और बहनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये इतना कष्ट सह के यह आयोजन किया। अभी मैं देख रहा था कितने कक्ष में इन्होंने व्यवस्था की है, विद्यार्थी बैठे हैं उनको दिखाने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ है। और न केवल उन्हीं को बल्कि हमारी मदद करने के लिए हमारी स्लाइड स्वयं वो डिस्प्ले कर रहे हैं, मुझे ये भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो उन्हें भी धन्यवाद। मैंने देखा इसी बीच में मेरे पुराने साथी, मेरे पुराने विद्यार्थी डॉक्टर नामदेव हैं और इसी तरह से मैडम भार्गव दिख रही थी, कई लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। नामदेव जी का तो विशेष रूप से कि वे इस विधा से अलग होने के बावजूद भी वह साथ हमारा नाम सुन करके इसमें लिंक हुए और दर्शन देने मिलने के लिए चले आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, आप शुरू करें डिस्प्ले शुरू करें हमारी स्लाइड्स का, स्लाइड्स दिखाएं प्लीज। मीना मैडम प्रेजेंट कीजिए, डिस्प्ले करें। मैडम ठाकरे दिखा रही हैं, कौन दिखा रहा है? यस सर, मैडम ठाकरे दिखा रही हैं। मीना मैडम प्लीज स्लाइड शो कीजिए, प्रेजेंट करिए, दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में ये बड़ा छोटा सा विषय है जो हमने आपसे चर्चा के लिए चुना है, हमें सुनाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। ऑडिबल हूँ कि नहीं? यस सर ऑडियो। मैंने छोटा सा विषय चुना है आज की चर्चा के लिए और इस छोटे से विषय के चुनाव का आधार बहुत बड़ा है। मैं तमाम सिलेक्शन कमिटीज में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी गया, पीएचडी में गया, और जब भी चर्चा की अक्सर सिलेक्शन कमिटीज में मैं खासकर पीएससीज में छात्रों से पूछता था कि आप छात्र ज्योग्राफी के छात्र हैं तो ये ज्योग्राफी क्या है जिसके आप छात्र रहे हैं और आपने ज्योग्राफी क्यों पढ़ा? और मुझे अफसोस है कि 99% छात्रों ने या प्रत्याशियों ने उसको हमारे इच्छा के अनुकूल जवाब नहीं दिया, या यूं कहें कि जो होना चाहिए था वह जवाब नहीं दिया कि भूगोल क्या है। मुझे कहीं अंदर से टीस हो रही थी कि क्या गड़बड़ है कि हमारे विद्यार्थी कम से कम 5 साल भूगोल पढ़ते हैं और इसके बावजूद भी भूगोल बताते नहीं हैं। वो अगर भूगोल पूछा जाए तो कहेंगे कि वह विषय जिसमें नदी पहाड़ खनिज और फसल का अध्ययन हो भूगोल है। तो मुझे लगा कि आज भी कहीं न कहीं गैप है,
हम भूगोल पढ़ाते हैं लेकिन भूगोल है क्या यह नहीं बताते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जो हम अवधारणा है जिसको जिसकी सतह पर हम भूगोल का अध्यापन करते हैं उसको विद्यार्थी समझ नहीं पाता, और जब आधार ही नहीं समझता हो जहाँ पर वह बेस्ड होता है तो विषय को समझना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज डायनेमिक्स ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस पर आपसे चर्चा करें, गत्यात्मक भूगोल विज्ञान क्या है इस पर आपसे बात करें। वास्तव में डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या मैडम? आगे चले, नेक्स्ट प्लीज, बढ़ाना भी आपको ही पड़ेगा। तो हमने इसमें शीर्षक अगर आपने देखा तो मैंने लिखा गत्यात्मक, गत्यात्मक को और भी सरल करना चाहे गतिशील। हमने भूगोल को गतिशील इसलिए कहा है कि भूगोल एक ज्ञान के रूप में जब से शुरू हुआ है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व ग्रीक और रोम में, तब से लेकर आज तक भूगोल का एकदम रूपांतरण होता गया। लेकिन जो चीज उस समय थी, जो ज्ञान उस समय भूगोल माना जाता रहा, वह खत्म नहीं हुआ, उसी में तमाम चीजें जुड़ती गई हैं। और इसीलिए मैंने उसे कहा डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स जो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्धित और संबंधित करता चले, अपने आप को बढ़ाता चले, अपने आप को इनरिच करता चले, संपन्न करता चले, वह विज्ञान। तो हमने कहा कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो समय के साथ साथ काल के साथ साथ अपने आप को इनरिच करता चला गया है, अपने आप को संपन्न करता गया है। क्या और कहा, नेक्स्ट प्लीज। दूसरे टेबल में देखें, दूसरे में वही बाएं तरफ देखिए आड़े में लिखा है क्यों और क्या, कैसे और क्यों। हमने कहा कि क्या कहाँ, क्या मतलब मान लीजिए कि आप कहते हैं कॉलेज, कॉलेज कहाँ 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 है, फिर क्यों है यह प्रश्न, कैसे है यह प्रश्न भी जुड़ा। तो क्या कहाँ है के साथ साथ और एनरिचमेंट हुआ भूगोल के अध्ययन में, कि क्या कहाँ के साथ साथ ही इसमें हम पढ़ने लगे कि क्यों है कैसे है क्या इनका अर्थ है देखेंगे अभी। तो यह एनरिचमेंट हुआ, इसमें संपन्नता आई, भूगोल और आगे बढ़ा और अपना विस्तार किया। थर्ड चलिए, नेक्स्ट टेबल तीसरे। इतना ही नहीं, क्या कहाँ क्यों कैसे के साथ साथ चौथा हुआ कि क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन करने लगे कि जो चीजें जहाँ हैं वहाँ सही है गलत है, उससे क्या लाभ हो रहा है क्या हान हो रही है, कैसा होना चाहिए, यह मूल्यांकन शुरू हो गया। क्या कहाँ क्यों कैसे तो ठीक है, अब ये जो है वह क्या उचित है अनुचित है, क्या होना चाहिए, इससे क्या लाभ हो रहा है क्या हान हो रही है, इस इन सारे बिंदुओं पर भी भूगोल में अध्ययन संपन्न हुआ। तो देखिए हमने तीन स्टेजेज आपको बताए, शुरू में क्या चीज कहाँ है, फिर क्यों है कैसे है, और फिर जो है उसका मूल्यांकन किया कि उसके होने से क्या परिणाम हो रहे हैं, या क्या लाभ क्या हान क्या दुष्परिणाम यह हो रहा है। यह इन्हीं तीन बातों के आधार पर हमने भूगोल को कहा कि भूगोल इज ए डायनेमिक साइंस, भूगोल एक गतिशील विज्ञान है, वह रुका नहीं है, स्थिर नहीं है, उसकी धारा में और छोटी छोटी धाराएं मिलती जा रही हैं और उसका आयतन उसका वॉल्यूम निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हमने आज के आपके व्याख्यान में सीधे कह सकते थे कि भूगोल क्या है, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने जोड़ा डायनेमिक साइंस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल गतिशील भूगोल विज्ञान। तो नेक्स्ट प्लीज, अब हम देखें कि भूगोल विज्ञान है क्या, इन तीन जो आपको चीजें हमने बताए, तीन स्टेजेस बताए, उसके संदर्भ में अब थोड़ी सी इनकी डिटेल में इनके विस्तार से व्याख्या। आप सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा, खासकर अगर हायर क्लासेस के हैं आप लोग, बीए किए हों, एमए में हों, या बीए के हायर क्लासेस में हों, या जो शिक्षक गण हैं शोध छात्र हैं, वह जानते होंगे कि भूगोल का जन्म हुआ कैसे, क्यों भूगोल एक विषय के रूप में एक ज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ। अगर आप इसकी जड़ को खोदना चाहें देखना चाहें तो आप पाएंगे कि जब आदमी पृथ्वी तल पर आया, चारों तरफ देखने लगा, चारों तरफ के पर्यावरण को देखा,
तो उसकी जानने की इच्छा हुई कि हमारे चारों तरफ क्या है, हम जहां हैं हमारे चारों तरफ क्या है, और यह जानने की इच्छा अपने चारों तरफ के पर्यावरण और पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में जानने की इच्छा ने ही भूगोल को जन्म दिया। तो रूट क्या है भूगोल की, जानने की इच्छा कि हमारे चारों तरफ किस तरह का वातावरण है, पर्यावरण है। पर्यावरण से मतलब केवल भौतिक ही नहीं होता है, सांस्कृतिक भी है। तो पृथ्वी के बारे में जानने की इच्छा ने भूगोल को जन्म दिया, और इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज एज ओल्ड एज कल्चर, भूगोल उतना ही पुराना है जितना कि संस्कृति, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लिया उससे ज्यादा पुरानी तो संस्कृति हो नहीं सकती है। जन्म लिया और चारों तरफ अपने देखना शुरू किया, तब से यह भौगोलिक ज्ञान अर्जन की इच्छा पैदा हुई और तब से भूगोल पैदा हुआ। और इसीलिए भूगोल की कहा जाता कि सभी विज्ञानों की मदर है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ज्योग्राफी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस, सभी विज्ञानों की माँ कहा जाता है भूगोल की इसी कारण से। तो इस तरह से भूगोल का विकास मनुष्य के विकास से जुड़ा हुआ है। अब आगे चलिए, क्रमशः जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, आदमी धीरे धीरे निरंतर विकास करने लगा, आने जाने के साधन विकसित हुए, और आने जाने के साधन विकसित होने से पहले जमीन पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश दूसरे देश, फिर स्थल से समुद्र में, फिर स्थल से वायुमंडल में आदि उसने अपना आवागमन शुरू किया। इतना विस्तार हो गया तो स्थल में एक क्षेत्र से दूसरे, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, स्थल से समुद्र में, स्थल से वायुमंडल में, जो सैटेलाइट वगैरह आप देखते हैं, ये सब आवागमन के साधन विकसित हुए। और इसी आवागमन के साधन के साथ साथ वह उसका वह ज्ञान भी विकसित होने लगा कि क्या कहाँ है, दूसरे देश में क्या है, समुद्र में क्या है, वायुमंडल में क्या है, या और ऊपर अगर गया तो वहाँ क्या है, यह उसका ज्ञान विकसित होने लगा। और तब प्रश्न हुआ उसके मन में पैदा हो, क्या कहाँ, प्रश्न पैदा हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बहुत सी सारी चीज़ें हो गई, कई तरह के पर्यावरण हो गए, धरातल का पर्यावरण एक, समुद्र का पर्यावरण दूसरा, वायुमंडल का पर्यावरण तीसरा। तो इस तरह से अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग चीज़ें अलग अलग रूपों में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग समुच्चयों में उपस्थित हैं। तब लोग ये जानने लगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, जो चीज़ धरातल पर है क्या वह समुद्र में भी है, क्या वह वायुमंडल में भी है, आकाश में भी है कि नहीं। तो तब उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ जो हमने आपको पहले टेबल में दिखाया था कि क्या कहाँ है। क्या कहाँ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जाने किसी बाजार में जाएं और देखें कि कपड़े की दुकान कहाँ कहाँ है, तो क्या मतलब कपड़े की दुकान, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ है। इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिज, इसको कह सकते हैं आगे बढ़ाएं कि वस्तुओं का वितरण कैसा है। एक चीज ले लें, हमने कहा स्कूल, अच्छा आपके जिले में कहाँ कहाँ स्कूल हैं, इसका मतलब कहाँ कहाँ स्थित हैं, और अगर सब जगह स्थित को मानचित्र पर आप दिखाएं तो उसको कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्कूल वितरित हैं, कहाँ कहाँ स्कूल हैं। तो ये एक चीज हुई, एक वस्तु हुआ। भूगोल केवल एक वस्तु नहीं, तमाम वस्तुओं का, घटनाओं का और प्रोसेस का, प्रक्रिया, जैसे पानी बरसना, इनका अध्ययन करता है। तो इनका आरंभ में इस वितरण का अध्ययन ही भूगोल का लक्ष्य था, क्या कहाँ है, कौन सी वस्तु, कौन सी घटना, कौन सी प्रक्रिया कहाँ है, यह जानना ही भूगोल का लक्ष्य था आरंभ में। अगर भूगोल का इतिहास आप लोग पढ़े तो ग्रीक और रोमन काल में मुख्य रूप से यही लोग जानते थे, कौन सा तारा कहाँ है, कौन सा नगर कहाँ है, कौन सी नदी कौन सी है। इसीलिए अगर आपके बुजुर्ग कोई मिले हैं 80-90 साल के, तो उनके मन में भूगोल आज भी यही है।
ऊंची छोटी कौन सी है, कितने देश है, उस देश की राजधानी क्या है, ये पुरातन कंसेप्ट है जो कि अब लगभग समाप्त हो चुका है। क्या कहां, तो क्या कहां से शुरू हुआ भूगोल। लेकिन अगर आप और आगे चले थोड़ा सा इस पर मनन करें, क्या कहां है, जैसे हमने कहा स्कूल का उदाहरण दिया आपको, आप अपने चित्र पर बनाकर देखें तो आप पाएंगे कि स्कूलों का वितरण समान नहीं है। आप अपने जिले में स्कूल के अलावा और कुछ देखें, अस्पताल देखें, अस्पताल कहाँ कहाँ हैं, तो क्या वो समान दूरी पर स्थित है, नहीं है। और चीजें देखें, पहाड़ियों का वितरण देखें, उनका वितरण समान नहीं है। तो यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यह सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं का वितरण समान नहीं है। भूगोल पढ़ना क्या चाहता है, क्या कहाँ है, अर्थात वितरण जानना चाहता है। और जब सारी चीजों का वितरण असमान है, चाहे वह पानी बरसना हो, चाहे वह मिट्टी का स्वरूप हो, चाहे आदमी का भाषा हो, चाहे खेती का स्वरूप हो, कुछ भी हो, इस धरती पर सब जगह एक जैसा नहीं है, सब जगह असमानता है, यह यूनिवर्सल फैक्ट कहा जाता है। तो तब प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों इन तत्वों के वितरण में, इन घटनाओं के वितरण में असमानता है, वाई, और यह असमानता कैसे पैदा हुई है। पहले तो भूगोल पढ़ता था कि क्या कहाँ है, और जब उसने देखा कि क्या कहाँ में वितरण असमान है, तब उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि भाई यह असमान वितरण क्यों है, एक ही तरह की मिट्टी क्यों नहीं, एक ही तरह का धरातल क्यों नहीं है, एक ही तरह के आदमी क्यों नहीं है, एक ही तरह की बोली क्यों नहीं है, तो यह क्यों नहीं है, यह प्रश्न पैदा हुआ क्यों और कैसे असमानता की व्याख्या करने के लिए यह देखना पड़ा कि असमानता क्यों पैदा हुई, या यह किस ढंग से असमानता पैदा हुई। तो भूगोल में ये दो प्रश्न और जुड़ गए, क्या कहाँ के साथ क्यों और कैसे। और इस तरह आधुनिक भूगोल का जब जन्म हुआ लगभग 18वीं शताब्दी में, उस समय तक भूगोल में वस्तु घटना और प्रक्रिया का पृथ्वी तल पर वितरण और मनुष्य पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन ही इसमें किया जाता रहा। ये जो असमानता क्यों और कैसे है, इसकी जो लोगों ने व्याख्या की, आगे आप देखेंगे, वो असमानता मुख्य रूप से भौतिक दशाओं के कारण हुई है। तो इस तरह से इन सारी चीजों का पृथ्वी तल पर वस्तुओं घटनाओं का वितरण और उस वितरण का वहाँ के वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन आधुनिक युग तक भूगोल का मुख्य विषय बना। आगे चले, तो एक ध्यान देने की बात जो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, अभी तक हमने जो आपसे चर्चा की, हमने ये नहीं कहा कि भूगोल में एक किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आप लोग जवाब देते हैं जब हम पूछते हैं कि भूगोल में नदी पहाड़ फसल और खनिज इसका अध्ययन होता है, हमने अभी तक तो नहीं कहा कि भूगोल में मॉडर्न एज तक 18वीं शताब्दी तक इसका अध्ययन होता था। हमने तो वस्तु को कहा, वस्तु कुछ भी हो सकती है, हमने घटना को कहा या प्रक्रिया को कहा, समझा, घटना जैसे भूकंप होना या अपरदन होना, प्रक्रिया जैसे बरसात होना, तो इनका अध्ययन भूगोल में मुख्य विषय के रूप में उभरा 18वीं शताब्दी तक। और 18वीं शताब्दी तक में जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन में भूगोल एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। आप लोग वैसे भी जानते हैं भूगोल शब्द की जब व्याख्या करते हैं आप, भूगोल अंग्रेजी में ज्योग्राफी है, दो शब्द जैसा आप जानते हैं ग्रीक शब्द हैं, जी मीन्स पृथ्वी, ग्राफो मीन्स वर्णन। तो ये अगर साधारण अर्थों में भी देखें तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, लेकिन यह बहुत अधूरा अप्रासंगिक अर्थ है, इसलिए कि जितने भी विषय आप पढ़ते हैं कोई भी ऐसा विषय नहीं है
जिसमें पृथ्वी या उसके किसी विशेषता का अध्ययन नहीं किया जाता हो। भूगर्भ शास्त्र में धरातल का अध्ययन होता है, वह भी पृथ्वी का अंग है। वनस्पत शास्त्र में वनस्पत का अध्ययन हुआ है, वह पृथ्वी पर है। या इसी तरह से फिजिक्स में देखें एटमॉस्फेयर की दशाओं का भूमंडल उसका एटमॉस्फेयर का अध्ययन होता है, वह भी पृथ्वी। समाज शास्त्र में जाएं तो मनुष्य और उसकी दशाओं का अध्ययन होता है, वह भी पृथ्वी। पृथ्वी से जुड़ा नहीं हुआ कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, तब तो बहुत ही वेग बड़ा उलझा हुआ बड़ा ही अस्पष्ट अर्थ भूगोल का। वास्तव में भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है बल्कि क्या है और थोड़ा सा देखें आगे इसको अन्य विज्ञानों से, जिसको हमने कहा कि अन्य लोग भी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उससे भूगोल कैसे अलग है देखें। यह जानने के लिए कि भूगोल क्या है और यह कैसे अन्य विज्ञानों से अलग है, थोड़ा सा कुछ लोगों का नाम है आप जानते होंगे जिसके चेयरमैन थे, एक ब्रिटिश भूगोल वेताओं का शब्दकोश है डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में अगर आप कभी खोज कर देखने चाहें 1950 का थोड़ा ऐतिहासिक से लेकर मॉडर्न तक का भाव हम आपको बताएंगे। एक तो 1950 में लोगों ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रों के विभेदीकरण एवं संबंधों के विशिष्ट संदर्भ में पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। पृथ्वी के धरातल का वर्णन तो उन्होंने कहा कि भूगोल है, लेकिन धरातल का वर्णन भूगोल नहीं है बल्कि देखिए किस संदर्भ में करता। उन्होंने कहा कि विभेदी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे अलग है, भिन्न है, विभेदीकरण माने भिन्न, कैसे भिन्न है। हमने बताया ना कि आप एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से सभी संदर्भों में भौतिक और मानवीय सभी पक्षों में अलग है, तो किस तरह से यह एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग है। इस संदर्भ में जब पृथ्वी के धरातल का वर्णन या विश्लेषण अध्ययन किया जाता है तब भूगोल होता है। तो केवल भूगोल सारी चीजों का अध्ययन नहीं बल्कि विभिन्नता का अध्ययन, पृथ्वी तल पर जिन तत्वों को का वितरण है उनके विभिन्नता का वर्णन और विश्लेषण भूगोल है, इस परिभाषा में देखिए कहा गया। नेक्स्ट देखिए दो तीन लोगों का, और केवल इस बात को बताने के लिए कि पृथ्वी का अध्ययन तो है लेकिन हमारे अध्ययन का जो पृष्ठ ग्राउंड है पर्सपेक्टिव है वह अलग है, अन्य लोग कुछ और ढंग से करते हैं। एक अमेरिकी भूगोल वेत्ता है 50 के बाद और आए 60 के दशक में अकरमन, उन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जात एवं उनके प्राकृतिक पर्यावरण के विस्तृत अंतर संबंधित प्रणाली का अध्ययन करता है। अंतर संबंधित प्रणाली प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है उन संबंधों से जो का अध्ययन भूगोल करता है, इतना समझिए। तो केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं करता बल्कि पृथ्वी पर मनुष्य और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध विकसित होता है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनसे जो रूप विकसित होता है जो सिस्टम डेवलप होता है उसका अध्ययन भूगोल करता है। तो केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं बल्कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप मनुष्य और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन भूगोल करता है, अकरमन ने कहा। लगभग इसी तरह से मांक हाउस, नेक्स्ट हमने कहा लिकरमैन, आगे चले, नेक्स्ट छोड़िए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आगे चले। बहुत चर्चित रहे हैं एक स्टैम्प साहब भूगोल में, इनको आगे बढ़ा दीजिए। और चलिए इन सारी बातों को जोड़ते हुए एक भूगोल में अमर विद्वान थे, उन्होंने और पीछे चलिए आपने तो चार चार पन्ने आगे बढ़ा दिए, पीछे प्लीज, हाँ बस और आगे चलिए छोड़ देते हैं इसको। तो इस टाइम के बाद हार्ट शो ने एक सज्जन थे आज, इन्होंने भूगोल को बहुत सिस्टमेटाइज किया, व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया।
पार्सन ने 1939 में 1949 में एक ग्रंथ लिखा था नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हिंदी में उसे आप कह सकते हैं भूगोल की प्रकृति, भूगोल क्या है, इस विषय पर उन्होंने उसके पहले जितना काम हुआ था तमाम विश्व के देशों में अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस इनको एकत्रित करके एक ग्रंथ लगभग 600 पेजों का लिखा था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उस नेचर ऑफ ज्योग्राफी में तमाम विद्वानों के विचारों को समाहित करते हुए इन्होंने हार्टस्टोन ने लिखा था कि भूगोल मानव विश्व के रूप का वर्णन और व्याख्या करता है। ध्यान दीजिए, पहला ये है उन्होंने कहा कि मानव विश्व के रूप में भूगोल जो अध्ययन करता है और जो अन्य वैज्ञानिक करते हैं उनमें अंतर है कि भूगोल सारी दुनिया को प्रकृति को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में देखता है, होम ऑफ मैन, मनुष्य के निवास के रूप में, अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए जो तमाम चीजें जरूरी होती हैं उनकी दृष्टि से उनकी खोज की नजर से वह संपूर्ण पर्यावरण को देखता है। अन्य वैज्ञानिक ऐसा नहीं देखते, अन्य वैज्ञानिक किसी और दृष्टिकोण से देखते जो हम बाद में देखेंगे। तो पहली शर्त उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी का वर्णन और व्याख्या तो है लेकिन पृथ्वी को या मनुष्य पर्यावरण को वह देखता है किसके रूप में, होम ऑफ मैन के रूप में, मनुष्य के निवास स्थान के रूप में, अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के पर्सपेक्टिव में, उपलब्धि के संदर्भ में वह वातावरण का अध्ययन करता है। दूसरा इन्हें विशेषण जोड़ा कि पृथ्वी के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के विभिन्न भाग एक भाग दूसरे भाग से भिन्न है, अलग है, इस विभिन्नता का अध्ययन करता है। लेकिन अध्ययन कैसा करता है, दो तरह का काम करता है, एक वर्णन और व्याख्या। मित्रों इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। वर्णन तो यह है कि आप अगर अपने घर से चलकर महाविद्यालय में आते हैं और जो चीजें आप देखते हैं बिना नमक मिर्च मिलाए हुए यथावत कह दें वह वर्णन कहलाता है। घर से आए बड़ी भीड़ थी, जगह नहीं मिली और इस कारण लेट हो गए आदि आदि आप कह दें, यह वर्णन हुआ। लेकिन अगर कारण सहित इन सारी चीजों को बताएं तो व्याख्या हुआ। स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक श्लोक एक दोहा दे दिया जाता था और लिखा जाता था कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या का मतलब केवल वर्णन नहीं होता था, या किस कवि ने किस संदर्भ में किस छंद में किस भाव से लिखा है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं तब व्याख्या होता है। तो इन्होंने कहा कि विश्व मनुष्य के निवास स्थान के रूप में विभिन्नता के रूप में उसका वर्णन तो करते ही हैं, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में वही शब्द आ जाते हैं क्यों और कैसे। यह जो विभिन्नता है यह क्यों है, कैसे है, कैसे जनरेट हुई, यह अंतर क्यों पैदा हुआ, यह कहना भूगोल का काम है, भूगोल के अध्ययन का विषय है। तो हार्टस्टोन ने यही कहा, ये तीन महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, एक तो मनुष्य के निवास स्थान के रूप में अध्ययन होता है वातावरण का, और दूसरा विभिन्नता विशेष रूप से एम्फसाइज करते हैं, विभिन्नता हम देखने की कोशिश करते हैं, और तीसरे हम केवल उसकी वर्णन नहीं करते, बताते भर नहीं है, हम उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बाद में उनकी इस परिभाषा की बड़ी आलोचना भी हुई और उस आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने एक दूसरी परिभाषा 1959 में दिया, 1959 में, और उस परिभाषा में तीन और विशेषताएं जोड़ दी। उन्होंने कहा कि यह जो वर्णन और व्याख्या है वह यथार्थ होना चाहिए, क्रिएट, सही, झूठ नहीं, और क्रमबद्ध, लॉजिकल होना चाहिए, और क्रमबद्ध मीन्स ऑर्डरली होना चाहिए, और तर्क संगत होना चाहिए, यथार्थ मतलब जो है वही होना चाहिए, उसमें झूठा नहीं। ऑर्डरली मीन्स जैसे अगर आपको कहें कि किसी मनुष्य का वर्णन कीजिए तो आप या तो नीचे पैर से उसके या उसके शीर्ष से वर्णन कीजिए, ऐसा नहीं कि पहले उसके पेट से वर्णन शुरू किए फिर आँख पर चले गए फिर नख पर चले गए फिर शिख पर चले गए, ऐसा नहीं होता। देयर मस्ट बी सम ऑर्डर, एक सीक्वेंस, एक क्रम होना चाहिए
जैसा कि आप भूगोल में पढ़ते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश का भूगोल या भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो एक क्रम से पढ़ते हैं, उसकी स्थिति पढ़ते हैं, भू रचना पढ़ते हैं, भौतिक दशा आदि आदि इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो अध्ययन में एक तो यथार्थ होना चाहिए, दूसरा क्रम होना चाहिए और तीसरे लॉजिकल होना चाहिए। किसी ने कहा लॉजिक का लोग उदाहरण देते हैं, एक खंभे में ऊपर गोबर लगा हुआ था, किसी दार्शनिक से पूछा, उन्होंने कहा पता नहीं एक गाय ऊपर चढ़ गई होगी, ये तो लॉजिक नहीं कहता है। तो दैट मस्ट बी प्रूव्ड बाय लॉजिक, ऐसा कथन होना चाहिए, ऐसी व्याख्या होना चाहिए जो तर्क के माध्यम से सिद्ध की जा सके। और इन तीन शब्दों को जोड़ते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा फिर से संशोधित की और कहा कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण चीजें वही हैं, विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्क संकत वर्णन और व्याख्या से संबंध है। मित्रों, यहाँ भी हार्टसोन बहुत मान्य विद्वान है, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि फसल का वर्णन और व्याख्या है, खनिज का वर्णन व्याख्या है, कहीं भी नहीं कहा उन्होंने, केवल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली वस्तुओं, घटनाओं और प्रक्रियाओं की विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या है, इतना उन्होंने कहा। इसी तरह से और तमाम लोगों ने व्याख्या की, बस कहना यह चाह रहे हैं कि पृथ्वी तल का वर्णन और व्याख्या भूगोल है। आगे चले, नेक्स्ट प्लीज। एक और विद्वान है, नहीं नहीं, थोड़ा सा पीटर हैगर की बात करने दें। अभी मॉडर्न जो सम्मानित तो भूगोलविद है पीटर हैगर, उन्होंने इनके इस परिभाषा में थोड़ा कुछ और चीजें जोड़ी हैं जो आधुनिक भूगोल के स्वरूप को चित्रित करता है, बताता है। अगर पीटर हैगर की परिभाषा को देखें तो उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, तीन महत्वपूर्ण। एक तो उन्होंने भी कहा कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी की सतह से संबंधित है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से संबंधित है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि सतह से मतलब ये क्रस्ट ऑफ द अर्थ नहीं है, यह धरातल नहीं है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, सतह एक बड़ी भारी चीज है, उसको बाद में देखेंगे, अभी बात करते हैं आपको, तो पृथ्वी की सतह से संबंधित है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भूगोल के अध्ययन का जो मुख्य केंद्र है, फोकल पॉइंट है, उसका पर्यावरण से संबंध, किस तरह से पर्यावरण का उपयोग वह अपने विकास के लिए करता है, यह ही अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय है। स्थानिक संगठन मीन्स स्थान को अपने विकास के लिए किस तरह से संगठित करता है, पर्यावरण का उपयोग किस तरह से अपने लाभ के लिए करता है, यही भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है। और तीसरी बात कहा कि भूगोलवेत्ता जो है पृथ्वी की विविधता और संपन्नता, विपन्नता और संपन्नता से जुड़ा हुआ, मतलब पृथ्वी की विविधता को ध्यान में रख करके भूगोलवेत्ता अध्ययन करता है। और इस तरह से पृथ्वी का विविध रूप वाली पृथ्वी का वर्णन व्याख्या भूगोल है, यह उन्होंने भी कहा एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में, कि समाजशास्त्री हमेशा उपयोगिता के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं कि कौन से एक चीज समाज के लाभप्रद है। इसी तरह से भूगोलवेत्ता इस दृष्टिकोण से पर्यावरण को देखते हैं कि यह किस तरह से मानव समाज के लिए उपयोगी है। तो मानव समाज का अध्ययन समाज के दृष्टिकोण से पर्यावरण की विविधता का अध्ययन ही भूगोल है। नेक्स्ट प्लीज, आगे। अभी हमने आपसे कहा, आप पीटर हैगेट के उदाहरण देते हुए आपसे कहा था कि उन्होंने कहा कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी की सतह से है। अगर आपको, क्यों मैडम ये थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता होगा, ये आइकॉन में कुछ हो क्या, थोड़ा बड़ा हो सकता है, नहीं फुल साइज होगा। अच्छा ठीक है, छोड़िए,
तो देखिए हमने कहा कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तु घटना प्रक्रियाओं के वितरण का अध्ययन भूगोल करता है। अब इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर, सतह क्या है? हम आम तौर पर सतह का मतलब जो ये ऊपर कड़ी चीजें दिखाई दे रही है जिसे आप भूगोल में भूपर्पटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, वही मान लेते हैं। अगर हम भूपर्पटी का अध्ययन ही भूगोल माने तब फिर आप समुद्र का अध्ययन कैसे करते हैं, फिर आप वायुमंडल जलवायु का अध्ययन आप कैसे करते हैं, फिर आप खनिज का अध्ययन कैसे करते हैं, वह तो पृथ्वी की सतह पर नहीं है, सतह के नीचे है, या आप जमीन के नीचे के पानी का अध्ययन कैसे करते हैं, वो तो पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं है, सतह के ऊपर तो केवल नदी नाले तालाब भर हैं। तो वास्तव में पृथ्वी की सतह है एक विस्तृत चीज, एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है, शायद आपको दिख रहा होगा, या एक ग्रीन सी पट्टी है जो भूपर्पटी है जिसे आप पृथ्वी की सतह मानते हैं। इसके ऊपर की एक पट्टी देखिए वायुमंडल का वह निचला हिस्सा जहां तक मनुष्य का प्रभाव जाता है, जहां तक मनुष्य की पहुंच है, जैसे आपके तमाम मिसाइल्स वगैरह जहां जाते हैं ये तमाम, यह हिस्सा भी पृथ्वी की सतह का भाग है। तो भूमंडल का निचला भाग जो मनुष्य से प्रभावित होता है या जिससे मनुष्य प्रभावित होता है वह भी भू सतह का हिस्सा है। भू सतह भू परपटी दो अलग अलग शब्द हैं। हम सतह की बात कर रहे हैं तो पहली चीज पहला अंग है उसका भू परपटी, दूसरा भू परपटी के ऊपर वायुमंडल का वह हिस्सा जो मनुष्य से प्रभावित होता है, तीसरा भू परपटी से नीचे देखिए क्रस्ट ऑफ द अर्थ के नीचे जो स्ट्रक्चर है, संरचना है पृथ्वी की, पृथ्वी है उसके नीचे का उतना हिस्सा जहाँ तक मनुष्य की पहुँच है, जहाँ से वो ग्राउंड वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, आदि चीज़ें लेता है, या जहाँ से मनुष्य प्रभावित होता है, चाहे वह ज्वालामुखी के रूप में, भूकंप के रूप में, वह हिस्सा। तो इस तरह से सतह के नीचे का की पट्टी और सतह से ऊपर की पट्टी भूमंडल की, भूमंडल की ऊपर की पट्टी, सतह और उससे नीचे की पट्टी, ये तीनों मिला करके बनते हैं जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का तल। ये बात समझ में आई? पृथ्वी के तल में तीन कंपोनेंट हैं, तीन चीजें हैं, एक तो भूपर्पटी, दूसरे भूपर्पटी के ऊपर का वायुमंडल का निचला हिस्सा, और तीसरे भूपर्पटी से नीचे का भूगर्भ का ऊपरी हिस्सा। और इसको अगर एक पेटी के रूप में आप संपूर्ण पृथ्वी के चारों तरफ घुमा दें तो यही कहलाएगा पृथ्वी का तल। तो इस पृथ्वी तल पर जो भी चीजें पाई जाती हैं उनका वर्णन और उनके वितरण का वर्णन और व्याख्या भूगोल है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब एक हम फिर से जोर देना चाहेंगे कि भूगोल पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली वस्तुओं घटनाओं और प्रक्रियाओं के वितरण का वर्णन और व्याख्या है। अब इसमें वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, या प्रक्रिया कुछ हो सकती है, घटना कुछ हो सकती है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उनका केवल हम एक चीज पढ़ते हैं, उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पृथ्वी तल पर इनका वितरण कैसे है, यही हम समझते हैं, इसी का वर्णन करते हैं और इसी की व्याख्या करते हैं। तो भूगोल का संबंध किसी वस्तु से नहीं है, जो भी चीजें इस पृथ्वी तल पर भूमंडल के निचले हिस्से से लेकर भूगर्भ के ऊपरी हिस्से की इस पेटी में पाया जाता है, स्थित है, उसका वितरण हम बताते हैं। अब वह वितरण चाहे वह खनिज हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह फसल हो, चाहे वह मनुष्य हो, कुछ भी चीज हो सकती है, सभी चीजों का आप ध्यान दीजिए, हम उनके वितरण का वर्णन और व्याख्या करते हैं, हम वस्तु का वर्णन और व्याख्या नहीं करते। हाँ, वो हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम इसकी व्याख्या करते हैं, पृथ्वी तल पर वस्तुओं के वितरण की वर्णन और व्याख्या, ठीक है।
अब इस पृथ्वी तल पर जो तमाम चीजें हैं, जो हमने आपको एक बेल्ट बताया, उस बेल्ट में तमाम चीजों को हम लोग पारंपरिक रूप से मंडल के रूप में बांटते हैं। जैसे जो जमीन वाला हिस्सा है उसको आप स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। जो पानी वाला मंडल है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। और इसी तरह से जो हवा वाला हिस्सा है सतह के ऊपर उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इनसे मिले हुए सभी जो चीजें हैं उनमें कुछ वनस्पतियां होती हैं, जीव होते हैं, उनको जैव मंडल कहते हैं। तो ये चार मेजर मंडल में ये सारी चीजें बटी हुई हैं, जमीन पर है, पानी है, वायुमंडल है, या वनस्पति के रूप में जीवों के रूप में है। ये चार मंडल है। अभी दो और मंडलों का उल्लेख लोग किया करते हैं। एक हिम मंडल जो स्थल मंडल पर हिम के रूप में आपको दिखाई जा सकता है। और अब मनुष्य का प्रभाव इन तीनों मंडलों पर बहुत अधिक हुआ है, इसलिए उसको मानव मंडल कहते हैं। तो इस तरह से इन मंडलों में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनका वितरण का को समझाना भूगोल है। वितरण को समझाना भूगोल है। अब वह जो भी चीज हो सकती है, वह फसल गेहूं होता है। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलें। अब आप भी पारंपरिक रूप से ये पृथ्वी तल पर हमने मंडल की बात कही। हम लोग अपने पुस्तकों में देखते हैं तो इन चीजों को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक ऐसी वस्तुएं, चीजें, घटनाएं जो प्रकृति ने बनाई हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। आप जानते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, सबने बताया। उसके भाग भाग हो सकते हैं, ये प्राकृतिक हो गया। नेक्स्ट प्लीज, आगे चले। और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण जिसको मनुष्य ने क्रिएट किया है, आदमी ने क्रिएट किया है। ध्यान दें कि सांस्कृतिक पर्यावरण बिना भौतिक पर्यावरण के संभव नहीं हो सकता, उसका क्रिएशन का आधार ही भौतिक पर्यावरण है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का पृथ्वी तल पर वितरण जैसा भी है, जो भी विविधता है, उसका वर्णन और व्याख्या भूगोल है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ तक भूगोल क्या है, हमने आपको बताने की कोशिश की कि भूगोल का मतलब किसी विषय से नहीं है, किसी तत्व से नहीं है, खनिज से, फसल से, मनुष्य से, उद्योग से नहीं है। ये चूंकि चीजें पृथ्वी तल पर पाई जाती हैं, वितरित हैं, असमान वितरित है, उनका संबंध पर्यावरण से है, इसलिए भूगोल में सभी पढ़ी जाती हैं। तो भूगोल का काम है वितरण का अध्ययन करना। और वितरण किसका हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है या किसी घटना का हो सकता है। जैसे हमने कहा भूकंप आया, उसका वर्णन और व्याख्या हो सकती है, या प्रक्रिया का हो सकता है, जैसे प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, टेम्परेचर। तो भूगोल का मतलब साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विज्ञान वह जो वितरण की व्याख्या करता है। तो यहाँ तक तो भूगोल एज ए होल की बात है। अब भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, अगर इससे संबंधित कुछ बात करनी हो तो हम सुन सकते हैं, कुछ पूछना हो अभी तक जो हमने कहा आपसे, सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को, सुन रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, कुछ पूछना तो नहीं अब तक? शायद जो हम कहना चाह रहे हैं आपको होगा। आगे चले। यस सर, जी सर। तो भूगोल किसी वस्तु घटना का अध्ययन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जो भी, पृथ्वी के तल पर जो भी चीजें वितरित हैं उनका अध्ययन है। ये बात पहले खंड में हमने आपसे कही, ठीक है? अब इसको ध्यान में रखते हुए कि भूगोल का स्कोप कहाँ कहाँ तक भूगोल पहुंचता है, स्कोप
जिसको हिंदी में विषय क्षेत्र कहते हैं इसको देखेंगे। जी जी, तो भूगोल की परिधि कहाँ तक है? जैसा हमने आपको अभी चित्र दिखाया कि भूगोल में भौतिक पर्यावरण के तमाम चीजें और सांस्कृतिक पर्यावरण के तमाम तत्व का अध्ययन किया जाता है, और इस तरह से इन दोनों स्फीयर्स के, इन दोनों खंडों के, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरणों के वे चीजें जो मानव को और उसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं वो भूगोल की परिधि में आते हैं। वास्तव में जैसे आप बैठे हुए हैं जहाँ जिस कमरे में और खिड़की से बाहर की ओर झांकिए, तो आप देखेंगे कि आपकी नज़र के सामने तमाम नदी, पहाड़, घाटी, इसके साथ आदमी का घर, सड़क, आवागमन के साधन, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। और इस समुच्चय को जिसमें ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको हम लोग अंग्रेजी में लैंडस्केप कहते हैं, हिंदी में भूदृश्य कहते हैं। तो भूगोल मुख्य रूप से ये जो चीज दिखाई दे रही है जिसे हम भूदृश्य कहते हैं या लैंडस्केप, इसको एक्सप्लेन करता है, इसकी व्याख्या करता है, इसको समझाता है कि यह स्वरूप कैसे बना है, यह कैसे विकसित हुआ है, यह लैंडस्केप कैसे बना। तो यह है उसकी आत्मा भूगोल की, कि जो लैंडस्केप, माने हमने तो आपको खिड़की उदाहरण इसलिए दिया कि आप कुर्सी से देख सकते हैं, आप बाहर जब निकले जो भी चीजें आपको दिखाई दी, जैसी भी दिखाई दे रही हैं, वाई दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट, ऐसे क्यों वितरित हैं, ऐसा स्वरूप इनका क्यों है, इसको समझाना ही भूगोल है। तो हमने आपको आरंभ में ही बताया कि एक क्षेत्र से, एक रीजन से दूसरे रीजन में वस्तुओं के वितरण में काफी असमानता है, और इस असमानता को कैसे समझेंगे? असमानता को समझेंगे जैसे, अगर आप वस्तुओं का वितरण न देखें तो असमानता कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके राज्य में आपके अलग अलग रंग की है, तो जब तक आपको अपने जिले में अलग अलग रंग की मिट्टियों की स्थिति न मालूम हो, यहाँ लाल है, यहाँ पीली है, यहाँ काली है, यहाँ काली है, यहाँ गहरी है, यहाँ उथली है, ये जब अगर आपको नहीं मालूम हो तब आप कैसे असमानता की बात कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि पहले इनको आप नक्शे पर दिखाएं, इनको जब दिखाएंगे तभी आपको लगेगा कि अरे मिट्टी तो हम एक शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन ये अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग भिन्न प्रकार की मिट्टी है। तो उनकी स्थिति निर्धारित करेंगे कि मिट्टी एक शब्द है लेकिन उसके गुणों में, उसके रंग में, उसके गहराई में, उसके बनावट में, उसकी उत्पादकता में काफी विभिन्नता है। तो इस असमानता, इस विभिन्नता का निर्धारण और उनकी स्थिति के माध्यम से ही संभव होता है। तो पहला काम भूगोल में होता है स्थिति निर्धारित करना, चीजों के लोकेशन का अध्ययन करना, कौन सी चीज कहाँ स्थित है, और जब चीज स्थिति आप दिखा पाएंगे तब आप समझ पाएंगे उसको देखकर। हमने शुरू में कहा कि अगर आप स्कूल का नक्शा बना लें तो आप देखेंगे किसी एरिया में बहुत सारे स्कूल हैं, जहाँ बहुत आदमी हैं, डेंसिटी ज्यादा है, अधिक लोग रहते हैं, अधिक स्कूल होंगे, जहाँ जंगल पहाड़ हैं वहाँ कम स्कूल होंगे। तो यह असमानता तभी जान पाएंगे जब आप नक्शे को दिखाएं, उनकी स्थिति को लोकेट करें, उनके उनके स्थानीयकरण को देखें। तो पहली समानता की व्याख्या के लिए यह काम, आगे चले। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा काम है, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, एक शब्द है अंतरक्रिया, अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। आप एक क्षेत्र पर तमाम चीजें मिलेगी, धरातल है, धरातल के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर वनस्पतियां हैं, और उस पर सड़क है, आदमी रहते हैं, खेती रहती है, ये सारी चीजें। तो एक स्थान पर जो विभिन्न तत्व हैं वह आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसका अध्ययन करना, इस अंतर क्रिया का अध्ययन करना ही भूगोल
की सीमा में आता है, कैसे ही क्षेत्र की धरातल वहाँ के आदमी के काम धंधे को, उनके रहन सहन को, उनके आवागमन को, उनकी फसल को, उनकी वेशभूषा को प्रभावित करता है, यह पढ़े। इसको कहते हैं अंतर क्रिया। और यह भूगोल में एक बहुत बड़ा अवधारणा, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि एक स्थान पर पाए जाने वाले तमाम भौतिक और सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि धरातल प्रभावित करता है, नहीं, मनुष्य भी धरातल को प्रभावित करता है। तो सभी तत्व, शेष सभी तत्वों को प्रभावित करते हैं, यह भी भूगोल के अध्ययन की परिधि में आता है। तीसरी चीज जो भूगोल की परिधि में आता है वह है क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या करना, कि भाई एक स्थान, एक रीजन कहते हैं, मालवा रीजन आपने कहा, बुंदेलखंड रीजन आपने कहा, छत्तीसगढ़ रीजन कहा, ये कैसे मालवा रीजन बना, बुंदेलखंड रीजन बना? ये तो वहाँ के जो दशाएं हैं भौतिक और मानवीय, उनका एक संयुक्त रूप है, उनका मिला हुआ रूप है। तो यह क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या करना है, विभिन्न तत्वों के मिलने से जो स्वरूप बना हुआ है उसको समझाना भी भूगोल का काम है, क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या, यह भी भूगोल की परिधि में आता है। चौथी बात है, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में सभी तत्व आपस में संबंध, एक क्षेत्र भी दूसरे क्षेत्र से प्रभावित होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप बंबई से प्रभावित नहीं होते, अंडमान से आप प्रभावित नहीं होते, या अंडमान आपसे प्रभावित नहीं होता? होता है। आज खासकर ग्लोबलाइजेशन के समय में तो दुनिया का कोई भाग एक दूसरे से प्रभावित नहीं रहता। तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो अंतर संबंध है, वह आप वस्तुओं के आने जाने से, व्यक्तियों के आने जाने से, विचारों के आने जाने से प्रभाव पड़ता है। और इस संबंध, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से क्या संबंध है, इसकी व्याख्या करना, इसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना भूगोल का काम है। और अंत में समानता असमानता के आधार पर प्रदेश निर्धारित करना भी भूगोल की परिधि में आता है। तो ये भूगोल के परिधि में आने वाले मुख्य विषय हैं। आगे चलें, मुख्य क्षेत्र हैं, विषय नहीं, क्षेत्र हैं। आगे चलें, इसी को हमने यहाँ इसमें समराइज किया, थोड़ा सा अलग रंग दिया। भूगोल की परिधि में पृथ्वी तल के तत्व, घटना एवं प्रक्रियाएं आती हैं। किसी भी तत्व का नाम हमने नहीं लिया, एक तत्व नहीं, एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया नहीं, सभी चीजें आती हैं पृथ्वी के तल पर जो भी हैं, और जो मानव के हित की हैं, जो मानव को प्रभावित करती है जिस सीमा तक, उनका अध्ययन भूगोल में। परंतु एक बात ध्यान रखने की, भूगोल का लक्ष्य इनका अध्ययन करना नहीं है। हम तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम घटनाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम अध्ययन करते हैं उनकी स्थिति का, उनके वितरण का, उनके अंतर संबंध का, उनके पारस्परिक अन्योन्याश्रित संबंध का, उनके संश्लेषण का, कैसे है उनके विश्लेषण का। तो हम वस्तु घटना इनका अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके वितरण, वो कहाँ हैं, अवस्थित शब्द जो लिखा है अंग्रेजी में लोकेशन है, और सरल कहें स्थित का, वितरण का, उनके आपस में संबंधों का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के संबंध का, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको संश्लेषण कहते हैं, उनके विश्लेषण का ये भूगोल करता है, वस्तु का नहीं करता, बल्कि उनके वितरण का करता है। तो भूगोल का संबंध वस्तु से नहीं है, बल्कि उनके वितरण से। अभी आगे हम और आपको बताएंगे कि ये फर्क करना चाहिए, वस्तु को वितरण और वस्तु में बहुत फर्क है। साथ ही इन कारणों से उत्पन्न विभिन्नता का अध्ययन भी भूगोल की सीमा में आता है। इनके परिणाम स्वरूप जो अंतर पैदा होता है, विभिन्नता है, उसको समझाना भूगोल है। तो मित्रों, भूगोल वस्तु घटना और प्रक्रिया का की स्थित, वितरण, संबंध आदि का अध्ययन करता है, वस्तु का नहीं। आगे चले, वितरण का अध्ययन करता है। वितरण शब्द को हम चाहते हैं कि याद रखें, अगर कोई पूछे कि वितरण क्या है भूगोल, आगे चलिए इन्हीं के आधार पर, नेक्स्ट प्लीज। भूगोल में कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के थीम
और इसी कारण भूगोल में कई तरह की परंपराएं आपको बताएंगे। एक परंपरा जिसे क्षेत्रीय विभेदन की परंपरा कहते हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न है, केवल इसी का अध्ययन का इसी को महत्वपूर्ण विषय मानते हैं क्षेत्रीय विभेदन की परंपरा, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न है। तो यह भिन्नता तो वितरण के आधार पर ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट भी तो पहली परंपरा है क्षेत्रीय अंतर क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करना। आगे चले, दूसरी परंपरा स्थानीकरण की परंपरा और क्षेत्र की अवधारणा। भूगोल में क्षेत्र बहुत बड़ी चीज है। भूगोल हमेशा जन्म से ही क्षेत्र का अध्ययन करता रहा है। जैसा हमने कहा कि पृथ्वी तल पर, तो तल तो क्षेत्र ही है, परंतु पहले ये क्षेत्र ऐसा था जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई ये मानी जाती थी, वो स्थिर माना जाता था, अपरिवर्तनीय है, और जिसकी दूरियां किलोमीटर मील इस पे नापी जाती थी। लेकिन आज एकदम उल्टा हो गया है। आज ये एब्सोल्यूट या जिसे हम कहें स्थिर प्रकार का क्षेत्र नहीं है, अब क्षेत्र रिलेटिव हो गया है, सापेक्षिक हो गया है, और जिस पे दूरियां समय किराया सामाजिक संपर्क आदि से नापी जाती है। इसका अंतर आप इसी से समझिए कि आप छिंदवाड़ा में बैठे हुए और दिल्ली, आज से 10 वर्ष पहले दिल्ली छिंदवाड़ा से कितना दूर था, जितना आज है किलोमीटर में नापे तो दिल्ली से छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा से दिल्ली की दूरी आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन 10 वर्ष पहले अगर छिंदवाड़ा से दिल्ली जाना हो तो एक आध सप्ताह लगता था, बाद में ट्रेन चली तो एक आध दिन दो दिन में पहुंचने लगे, अब सुपर फास्ट ट्रेन चलने लगी तो 12-14 घंटे में पहुंचने लगे। तो क्या फर्क है, क्या दिल्ली से छिंदवाड़ा की दूरी घट गई? जी नहीं, वास्तविक दूरी जो है वह यथावत है किलोमीटर में, लेकिन सापेक्षिक दूरी जब हम टाइम के संदर्भ में समय के संदर्भ में नापते हैं तो वह समय जो एक सप्ताह लगा करता था अब वह समय केवल 14 घंटे में रह गया। और जो हम निर्णय लेते हैं, अगर दिल्ली तब जाना तो असंभव प्रकार का था, लेकिन अब अगर आपको दवाई लेना है, कोई बड़ी चीज लेनी है, कुछ करना है, तो आप बड़े आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं, तब तो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो आपका निर्णय जो है वह वर्तमान सापेक्षिक क्षेत्र की अवधारणा पर है, आप समय के संदर्भ में, किराए के संदर्भ में या संपर्क के संदर्भ में से देखते हैं, और यही मनुष्य के निर्णय को प्रभावित करते हैं, और इसका ही प्रभाव तो यह ही निर्णय प्रभावित करता है कि आप कौन सी चीज कहाँ स्थापित करें, स्थानीयकरण करें। तो क्षेत्र की अवधारणा जो बदल रही है सदैव, इसकी व्याख्या करना दूसरी परंपरा भूगोल में रही है। अब शिल्पानाथ जी आ गई, चलें दिखाएं, आगे चलें, जल्दी करना है क्या यादव जी, बच्चे जाने वाले तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आइए तो। शिल्पानाथ जी कोई और है लगता है, है? शिल्पानाथ जी कोई और है सर लगता है। नहीं, मीना बढ़ाओ। अच्छा। आगे नहीं, उसको बढ़ाइए, थोड़ा बड़ा कीजिए सर, फुल साइज है। पूरी नहीं है, अभी तो बड़ी दिख रही थी, अभी तो एकदम स्लाइड शो नहीं हो रही सर। हाँ, आइकॉन के रूप में दिखने लगी। स्लाइड शो ही नहीं हो रही अभी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हूँ, डॉक्टर शिल्पानाथ, आगर मालवा से हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत स्वागत है दीपा जी, स्वागत है, स्वागत है आपसे। आप बोल रहे हैं शिल्पानाथ, आप प्रोफेसर नाथ से तो नहीं जुड़ी हैं? जी सर, प्रोफेसर नाथ मेरे
ससुर जी है। अच्छा अच्छा, तो उनसे तुम्हारा परिचय अच्छी तरह से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आगर मालवा में फैकल्टी के रूप में हूँ, गेस्ट फैकल्टी में। अच्छी बात है, बताइए। निकलने वाली है फिर से? जी सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कर रहे हैं थोड़ी बहुत तैयारी, तैयारी में लगे हैं। थोड़ी को छोड़ दीजिए, बहुत को पकड़िए। जी सर, जी सर, थोड़ी से काम नहीं, बहुत। जी सर, नहीं नहीं, क्या नहीं हो पा रहा है क्या? स्लाइड सर, स्लाइड दिख रही है? स्लाइड शो नहीं हो रही मैडम, स्लाइड शो नहीं हो रही हमको, तो हो रही, फिर से करो मैडम। नहीं अभी दिखी तो, लेकिन वो थोड़े बड़ी हो जाए जैसी थी, जैसे अभी दिखा रही थी। अभी दिख रही है सर, दिख तो रहा है कि कुछ चित्र है, लेकिन आप अभी तो दिखा रही थी भाई, बड़ा दिखा रही थी, क्या गड़बड़ हो गया? सर वो चली रही थी, मेरे पास तो दिख रही है। देख तो, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। मीना मैडम एक बार लॉग आउट होके फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ ठीक है मैम, अब दिख रहा है? हाँ यस, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। तो हमें, हाँ अब एक नेक्स्ट चलिए आगे, ये तो बात हो गई कि क्षेत्र का विचार बदल रहा है, अब जो क्षेत्र भूगोल पड़ता है वो स्थिर नहीं है, हमेशा बदल रहा है समय के साथ। अब तीसरी चीज, तीसरी परंपरा भूगोल में है जो हम लोगों ने इकोलॉजी से लिया, पारिस्थितिकी तंत्र और तंत्र की अवधारणा। आप देखें पृथ्वी तल पर या पर्यावरण में कई सब सिस्टम्स हैं, पानी का, जमीन का, मिट्टी का, ये सब। तो इन सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स हैं, अंग हैं, उनका आपस में काफ़ी घनिष्ठ है। इन अंगों की व्याख्या करना ये तंत्र सिस्टम कहलाता है, या तंत्र की अवधारणा कहलाती है। तो इस तरह से तंत्र की विधि का उपयोग करके भूगोल में विश्लेषण करने की एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है। आगे चलें, बाकी ये सब देख लीजिए। हाँ एक चीज़ और है महत्वपूर्ण, इस तंत्र कई बाद पढ़ते हैं, निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, प्रदेश, आप जानती हैं प्रदेश की अवधारणा भूगोल में बहुत पुरानी है। प्रदेश समानता के आधार पर, संबद्धता के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रदेश के आधार पर आप विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, एशिया का भूगोल, इस तरह का अध्ययन जो क्रमबद्ध विषय सर, आवाज नहीं आ रही। तो ये प्रदेश की अवधारणा भूगोल में एक आत्मा के रूप में थी सेकेंड वर्ल्ड वार तक। आगे चलें, तो ये प्रमुख अवधारणाएं या परंपराएं हैं भूगोल में चलती रही हैं। तो ये परंपराएं, अब क्या विषय पढ़ते हैं भूगोल में, विषय सामग्री जिसे कंटेंट कहते हैं, भौतिक और मानवीय आप जानते ही हैं। भौतिक भूगोल में जो पढ़ा जाता है उस पर लोगों को कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल सब लोग कहते हैं कि भौतिक भूगोल में ये पांच चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो नीचे लिखी हैं। देखे तरह की चट्टानों से बना हुआ है, उनका वितरण कैसा है, उच्चावच रिलीफ कैसी है, लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, क्लाइमेट कैसी है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, ये सभी तत्व मिलकर भौतिक भूगोल के
विभिन्न शाखाओं की विषय सामग्री बनाते हैं। तो भौतिक भूगोल के विषय सामग्री में कोई विवाद नहीं है, इन्हीं के आधार पर हमने आपको शुरू में ही बताया तमाम मंडलों का नामकरण हुआ है मंडल। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन सबसे बड़ा विवाद है, आगे चलें, सबसे बड़ा विवाद है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल, ये तो ये जो तमाम विषय पढ़ते हैं उनके आधार पर भौतिक भूगोल की तमाम शाखाएं, अभी भौतिक भूगोल आप एक सुने होंगे, अब देखिए भौतिक भूगोल की ये तमाम मुख्य शाखाएं हमने आपको सामने रखा है, खगोल की, एस्ट्रोनॉमी, गणित भूगोल, गणितीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान या सॉइल साइंस, मृतिका भूगोल, जैव भूगोल, इस तरह से यह भौतिक भूगोल भी अपने कंटेंट के आधार पर तमाम छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित होता जा रहा है। आगे चलें, आगे। लेकिन मानव भूगोल एक ऐसी शाखा है, दूसरा हिस्सा। भूगोल दो स्तंभों में बटा है, एक भौतिक भूगोल जिसमें कोई विवाद नहीं, दूसरा मानव भूगोल जिसमें विवाद ही विवाद है। मानव भूगोल इसमें लोग एक सहमत नहीं है कि मुख्य रूप से क्या पढ़ा जाए, लेकिन तमाम लोगों विद्वानों के विचारों को अगर हम उनका मंथन करें तो जो सार निकलता है वह यह है कि इसमें मुख्य रूप से तीन बातों का अध्ययन किया जाता है। एक तो मानव और उसके अधिवास, मनुष्य, मनुष्य मतलब उसकी संख्या, वितरण, ग्रोथ, माइग्रेशन, तमाम तमाम चीजें। तो एक मनुष्य और उसका अधिवास जो दो नंबर पर लिखा है। फिर दूसरी चीज है उसकी आर्थिक क्रियाएं, और तीसरी उसके सामाजिक संगठन। आर्थिक क्रियाएं आप जानते हैं वे क्रियाएं जिनसे मनुष्य को भोजन, कच्चा माल आदि चीजें मिलती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वैसे परिभाषा के रूप में आपने आर्थिक भूगोल में पढ़ा होगा कि मनुष्य की वे क्रियाएं जिनसे किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होती हो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। यूटिलिटी बढ़ जाए किसी वस्तु की, जमीन में उर्वरा शक्ति बढ़ी है, उस फसल के रूप में आपने ले लिया तो फसल से उपयोगिता बढ़ गई है, आर्थिक क्रिया हो गई। तो आर्थिक क्रिया मीन्स जिससे उपयोगिता का वृद्धि किया जा सके, ऐसी क्रियाएं अनंत है, उनका अध्ययन भूगोल में होता है। और तीसरा है उसका सोशल सामाजिक संगठन, जैसे हमने बताया कि वृद्धि वितरण संरचना के अलावा मानवीय प्रवास, बस्तियां, राजनीतिक, सामाजिक संगठन आदि आदि, ये मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय हैं, कंटेंट हैं। तो ये शॉर्ट में इतनी चीजें मानव भूगोल में पढ़ी जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य, उसका अधिवास और उसके सोशल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं। आगे, नेक्स्ट प्लीज। इसकी मुख्य शाखाएं हैं मानव भूगोल की, नृतत्व, सांस्कृतिक, जनसंख्या, आर्थिक। स्वयं आर्थिक भूगोल में देखिए चार का नाम हमने लिखा, कृषि, औद्योगिक, संसाधन, परिवहन, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, नगरीय आदि आदि, ये मानव भूगोल के इन विषयों के आधार पर उप विभाजन है। और चले नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए मैडम। तो ये है विषय जो भूगोल में पढ़े जाते हैं, क्यों पढ़े जाते हैं, क्या काम करते हैं भूगोल में, हम जो भूगोल में इन तत्वों के वितरण और स्थिति का वर्णन व्याख्या करते हैं तो उसमें हम करते क्या हैं, ये अध्ययन करते समय हम क्या करते हैं, उसी को हमने कहा है कि हमारा पर्पज क्या है, एम क्या है, ज्योग्राफी का लक्ष्य क्या होता है, वितरण और स्थिति की व्याख्या करना। तो जब हम वितरण की व्याख्या करते हैं तो मुख्य रूप से ये काम करते हैं, देखिए पहला काम हम करते हैं स्थिति एवं वितरण की बात बताते हैं, और ये जो स्थिति और वितरण है तमाम भौतिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि किसी भी तत्व की वितरण की व्याख्या पर्यावरण के अन्य तत्वों के पृष्ठभूमि में ही की जाती है, भूगोल में अन्य विषयों से अंतर यही है कि अगर हम भूगोल में जनसंख्या के वितरण की व्याख्या करते हैं, केवल जनसंख्या नहीं
जनसंख्या का वितरण आसमान क्यों है, धरातल, मिट्टी, जलवायु, खनिज उद्योग आदि आदि, इस संदर्भ में जनसंख्या की वितरण की व्याख्या करते हैं। तो हमारा पृष्ठभूमि एक पढ़ने का विषय और अन्य जो बस्तें हैं वो पृष्ठभूमि के रूप में काम करती हैं। इनको बताने के लिए तमाम शब्द आप प्रयोग करते हैं, घनत्व है, प्रतिरूप है, विकेंद्रीकरण है आदि आदि। आगे चलिए, तो पहला है स्थिति एवं वितरण की व्याख्या करना। आगे बढ़ाइए मैडम। अच्छा, अंतर संबंधों की बात हमने आपको बताया ही था कि एक क्षेत्र के सभी तत्व अंतर संबंधित होते हैं। देखिए आगे साथ एक चित्र दिया है हमने, आगे बढ़ाइए। ये इस चित्र में तीन हमने उदाहरण आपके रखे हैं। पहले में देखिए कि अगर धरातल है तो आप जो धरातल देख रहे हैं वैसे भी अगर आपने डेविस को पढ़ा हो तो स्ट्रक्चर प्रोसेस इससे जानते हैं कि धरातल ये तीन चीजों से प्रभावित होती है, किस तरह की चट्टान है, किस तरह के अपरदन के कारक हैं और किस अवस्था में। इसके अलावा भी देखिए कितनी चीजें लिखी हैं, जियोलॉजी के अलावा टेम्परेचर इवेपोरेशन वगैरह वगैरह। नीचे देखिए ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस और टेक्टोनिक्स, ये सब मिल करके टोपोग्राफी को प्रभावित करते हैं। तो एक क्षेत्र की टोपोग्राफी इन तमाम तत्वों से प्रभावित होती है। इसी तरह से हमने अफ्रीका के एक साहिल मरुस्थल का उदाहरण, या ट्रांसपोर्ट किस तरह से तमाम चीजों का से प्रभावित होता है किसी क्षेत्र का परिवहन। तो एक क्षेत्र में परिवहन है तमाम चीजों से प्रभावित, तो यह दूसरा लक्ष्य होता है भूगोल का, इंटरेक्शन का अध्ययन करना एक स्थान पर विभिन्न तत्वों का। आगे चलिए, आगे बढ़ाएं प्लीज। फिर स्थानिक, आगे चलें, यही चीज है, एक स्थान दूसरे स्थान से कैसे जुड़े हैं इसको देखने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। देखिए हमने अभी स्पेस की बात कही थी आपको, समय की बात कही थी, स्थान कैसे छोटा होता जा रहा है, दुनिया कैसे छोटी हो जा रही, इसका अध्ययन व्याख्या करना। ये दो स्थान है, दो झोपड़ियां हैं। पहले जब आप पैदल चलते थे तो उनके बीच की दूरी थी 1 घंटे की, बाद में आपके पास एक साइकिल आ गई, यह दूरी 20 मिनट की हो गई, भौतिक दूरी वही है। और जब आपके पास एक मोटर गाड़ी आ गई तो यह 15 मिनट हो गई, तो भौतिक दूरी वही बनी हुई है जितनी थी, लेकिन समय की दूरी आपकी गति बढ़ने के साथ साथ उनके बीच का इंटरेक्शन, उनके बीच का संपर्क बढ़ता जाता है। इस तरह से जो उनके बीच की दूरी थी भौतिक वही होते हुए भी सापेक्षिक दूरी बदल रही है, और इससे उनके बीच का संबंध प्रगाढ़ होता जा रहा है, ज्यादा घनिष्ठ होता जा रहा है। इसका इसको समझाना भूगोल का उद्देश्य है। आगे चलिए। इसी तरह से किसी क्षेत्र में कोई चीज क्यों है, केंद्रित है, क्यों अनुपस्थित है, इसका समझाना भी हमारा लक्ष्य होता है भूगोल का। फिर तीसरा हमने लिखा स्थानिक फैलाव। अब बड़ी बड़ी चीजें बड़े स्थानों में पैदा होती हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी का की खोज होगी बड़े शहर में, और फिर बड़े शहर से, आगे बढ़ाइए, बड़े शहर से वह नीचे क्रमशः कैसे आती है, यह देखिए इस चित्र में। ऊपर एक बड़ा शहर है, कोई अच्छी चीज वहाँ से विकसित हुई, फिर छोटे शहरों में आई, फिर और छोटे शहरों में, और अंततः ग्रेजुअली आते आते उपभोक्ताओं तक पहुँची। तो इस तरह से कैसे बड़े से लेकर उद्यम से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं फैलती हैं, इसका अध्ययन भी भूगोल का लक्ष्य होता है। इसको समझाना कि कैसे क्षेत्र में वस्तुएं फैलती हैं, तो यह भी भूगोल का एक लक्ष्य है। आगे चलिए। वेदन की बात हम कर सके हैं, तत्वों का अनुनाश्रित गति की बात कर चुके हैं, चलिए आगे, ये भी भूगोल के उद्देश्य है। फिर परिवहन जाल, किस तरह से नेटवर्क, सड़कें, रास्ता विकसित होती है, यह अध्ययन करना भी भूगोल का लक्ष्य है। आगे सात चित्र हो देखिए, ये देखिए, यह एक क्षेत्र है, पहले ए में देखिए, एक क्षेत्र है, लोग पैदल चल रहे हैं, पगडंडियां बन गई, धीरे धीरे दूसरे चित्र में दीजिए जहाँ चल रहे थे वहाँ रास्ते बन गए, तीसरे में देखिए रास्ते बन गए, जहाँ रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ बस्तियां बन गई, गोले से दिखाया गया है, और आगे चौथे में देखिए ये बस्तियां अपने महत्व के आधार पर कोई बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, तो आगे देखिए इनका प्रभाव क्षेत्र कैसे बढ़ा। तो इस तरह से यह
आवागमन के साधनों का जाल कैसे विकसित होता है किसी क्षेत्र में, इसका व्याख्या करना भी भूगोल का काम है। परिवहन जाल का विकास या लक्ष्य भी भूगोल का है। आगे चलिए। तो ये है थोड़ा सा भूगोल अन्य से कैसे भिन्न है। अभी हमने विषय की बात की तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो भूगोल में हम पढ़ते हैं अन्य विषयों में भी पढ़ी जाती हैं, परंतु ऐसा है नहीं। भूगोल उन विषयों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि भूगोल एक अलग ही विषय है। कैसे आगे देखें, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, आपका समय बहुत हो गया। देखिए, हमने कहा कि सभी विषय लगभग पृथ्वी तल की चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके अध्ययन का जो दृष्टिकोण है, उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो अलग अलग होता है, अलग अलग दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए जब हमने कहा कि अगर एक बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में एक पत्थर कहीं से आकर पहुंच जाए, तो भूगर्भ शास्त्री अपने दृष्टिकोण से देखेगा कि यह किस युग का पत्थर है। इसी तरह से एक समाज शास्त्री देखेगा कि कोई मिस्चीवस आदमी यहाँ पत्थर फेंक चुका होगा। मूर्तिकार उसे देखेगा कि ये पत्थर बहुत बढ़िया है, इससे अच्छी कृष्ण भगवान की मूर्ति बन सकती है, और भूगोल वेत्ता उसको उसके उत्पत्ति के आधार पर देखेगा। तो पत्थर तो एक ही है, लेकिन सभी लोगों के देखने का नजर अलग अलग है। एक और उदाहरण देखिए, गेहूं। गेहूं का अध्ययन आप लोग करते हैं, गेहूं किस तरह की वनस्पति है, यह वनस्पति शास्त्र का अध्ययन का विषय है। आगे चलिए, वनस्पति शास्त्र में पढ़ते हैं कि किस तरह की वनस्पति है, गेहूं की रासायनिक रचना क्या है, यह केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। गेहूं की खेती कैसे की जाती है, यह एग्रीकल्चर साइंस का लोग पढ़ते हैं। गेहूं कहाँ से आया, कैसे संसार में विकसित हुआ, यह इतिहास का आदमी पढ़ता है। गेहूं कृषि से जुड़े लागत और लाभ का प्रश्न जो है, वह अर्थशास्त्री अध्ययन करता है। गेहूं के विपणन का अध्ययन कॉमर्स वाला करता है, और गेहूं के क्षेत्र से जुड़ी संस्कृति और समाज शास्त्र का विषय है। लेकिन गेहूं जिस क्षेत्र में पैदा किया जा रहा है, वहां के पर्यावरण से कैसे जुड़ा हुआ है, का विषय है। तो देखिए, एक गेहूं है। अब कोई कहे कि रसायन शास्त्र का विषय है, वनस्पति का है, कि कॉमर्स का है, कि इकोनॉमिक्स का है, जी नहीं, सबका है। बस सबके अध्ययन का नजरिया अलग अलग है। गेहूं की कृषि का क्षेत्रीय तत्वों और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण भूगोल है। तो विषय एक हो जाने से, दृष्टिकोण अलग अलग होने से, उनका अध्ययन सभी लोग अलग अलग करते हैं। तात्पर्य है कि सभी विषय में के अपने अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण हैं, और जिसके लेंस से, अपने चश्मे से वो वास्तविकता को देखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनके आम का आकलन करते हैं। आगे चलिए, और अंतर देखिए। हमने बताया आपको कि कोई भी वैज्ञानिक वातावरण को मानव निवास स्थान के रूप नहीं पढ़ता, केवल भूगोल वाले पढ़ते। दूसरा अंतर है कि भूगोल ये है जो वितरण और विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है और नहीं करते। तीसरे, भूगोल एक तत्व का अलग एकाकी आइसोलेटेड स्टडी नहीं करता है, बल्कि अखंड पर्यावरण का अध्ययन करता है। उदाहरण हमने आपको बताया कि वह अध्ययन करता है मानव के वितरण का, लेकिन वितरण की व्याख्या के लिए वह पर्यावरण के अन्य तत्वों और मानवीय पर्यावरण के तत्वों का सहारा लेता है। तो वह सभी तत्वों के संदर्भ में वितरण की व्याख्या करता है, एकाकी नहीं, जबकि अन्य विषय एक एक तत्व। वनस्पति वाला केवल वनस्पति का बात करेगा, या फिजिक्स वाला केवल एटमॉस्फेयर के एलिमेंट की बात करेंगे, या भूगर्भ शास्त्र वाले केवल रॉक्स का अध्ययन करेंगे और सबका नहीं। तो यह तीसरा अंतर है भूगोल और अन्य विषयों में। आगे चले, हमने आपको अन्न का उदाहरण बताया, पहले गेहूं का बताया, अभी भी देखिए वनस्पति शास्त्र गेहूं चावल मक्का सब का अध्ययन करता है। और चूंकि इनकी बनावट और उनकी क्रिया एक जैसी है, इसलिए इनका एक साथ अध्ययन करते हैं, भूगोल वाले नहीं करते।
भूगोल वाले गेहूं किस वातावरण में पैदा होता है और उसको देखते हैं, यह शीतोष्ण कटिबंध के कमर्शियल क्रॉप है। इसी तरह से वो चावल कहाँ पैदा होता है वह उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में वो अलग अध्ययन करता है, मक्का कहाँ पैदा होता है अलग अध्ययन करता है, तो वह पर्यावरण के संदर्भ में इन विषयों का अध्ययन करता है जबकि अन्य लोग उनकी बनावट के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो अस्तु आगे चले। बात और कहनी है कि लोग बात कहते हैं कि भूगोल जो है अन्य विषयों की पुनरावृत्ति है, ऐसा नहीं है। भूगोल में मुख्य रूप से 16 विषय पढ़े जाते हैं और उन 16 में से अधिकांश पर कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट। कोई भी स्वतंत्र विषय नहीं है। दूसरे, अन्य विषयों में टेक्नोलॉजी, उनके प्रशिक्षण, लागत, लाभ का अध्ययन किया जाता है लेकिन भूगोल में नहीं। भूगोल में इन क्रिया, ये आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप कैसा है, वितरण कैसा है विश्व में, कारण वितरण का कारण क्या है और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे होता है, इसका अध्ययन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमने कहा कि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आर्थिक कार्य या और वस्तु में अंतर करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप भूगोल में मछली पकड़ना पढ़ते हैं, मत्स्य उत्पादन पढ़ते हैं, तो मछली कैसे पर्यावरण में पकड़ी जाती हैं, एक व्यवसाय के रूप में मत्स्य उत्पादन कैसा है, कैसे पर्यावरण में, आप यह पढ़ते हैं, आप मछली नहीं पढ़ते हैं बल्कि मछली से संबंधित आर्थिक कार्य पढ़ते हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं, आर्थिक कार्य और वस्तु, दोनों में अंतर करना चाहते हैं। हम वस्तु नहीं पढ़ते, हम मछली नहीं पढ़ते हैं, मछली आर्थिक कार्य का वितरण करते हैं। तो आर्थिक कार्य और वस्तु में अंतर, हम वस्तु नहीं आर्थिक कार्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलें। तो इसी तरह से और देखते जाए तो हम पाते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले तत्व, घटना एवं प्रक्रियाओं का अलग अलग, उनके कॉम्बिनेशन का, उनके संबंध का, उनके वितरण का, उनके अंतर क्रिया का वर्णन और व्याख्या किया जाता है और यह विषय का चुनाव हमेशा मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर होता है। आगे, नेक्स्ट प्लीज, आगे। तो हम ये चाहेंगे कि आज जो हमने आज चर्चा की उसके बाद आप ये न कहें कि भूगोल किसी फसल उद्योग या खनिज का है, बल्कि इन तत्वों का अध्ययन, उन तत्वों का अध्ययन है, बल्कि तत्वों के वितरण का वर्णन और व्याख्या है जो पृथ्वी तल पर पाई जाती है। तो भूगोल किसी तत्व का अध्ययन नहीं है बल्कि उन तत्वों का के वितरण का अध्ययन है जो पृथ्वी तल पर पाई जाती हैं। और पृथ्वी तल एक बड़ी भारी चीज है जिसको हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो अगर मेरी सफलता इसी में होगी, अगर आज से आप ये कहें कि पृथ्वी भूगोल अब वितरण की व्याख्या करने वाला भूगोल है और यह वितरण कहाँ, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी का तल मतलब भू पर्पटी, उसके ऊपर का भूमंडलीय एटमॉस्फेयर और उसके नीचे का भू पर्पटी क्षेत्र। तो इसी के बाद मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लगभग 1.5 घंटे हमारे साथ हमारे हितोपदेश को सुनते रहे। मैं आप सबका और आपके साथ आपके प्राचार्य और हमारे प्रेषित प्रोफेसर यादव का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आपको इस तरह से कुछ कहने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे महाविद्यालय के भूगोल विषय के छात्र छात्राओं के साथ साथ अन्य वे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन रहा है कि आज मैडम ठाकरे मैडम, मैं कह रहा था बच्चों से कुछ इंटरेक्शन, कुछ कोई किसी का सवाल पूछ लो। हाँ, कुछ
कुछ पूछे तो अच्छा लगेगा, अगर वो कुछ पूछते हैं तो मुझे लगेगा कि जागृत रहे हैं। जी सर, सवाल करने ही वाले थे। हमारे जो भी छात्र छात्राएं हैं इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप डॉक्टर नामदेव तो देखो अंतिम क्षण तक जुड़े हुए हैं भाई, कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर आर पी यादव जी, क्या मुझे गुरुदेव को प्रणाम करने की कुछ समय कम मिनट एक मिनट याद? स्वागत, स्वागत सर, स्वागत। श्रद्धेय गुरुवर को सपरिवार सिवनी और आपके विद्यार्थी को के द्वारा मैं सादर अपने चरण वंदन करता हूँ, गुरु प्रवर को सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। और 77 में जिस रूप में हम विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय में सर आपके संपर्क में आए, तो उसी समय एक धारणा जन्म ली थी कि बड़े भाग मानुष तन पावा और बड़े भाग से सागर जावा और बड़े अहो भाग से गुरु प्रवर शर्मा जी को पावा। आज सर याद आ गया, आज से 45 साल पहले जिस समय आपने द हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड मेथोडोलॉजी जो हमारा भूगोल के ऐतिहासिक विकास और विधि तंत्र में हम लोगों को जो पढ़ाया सर, आज उसका ऐसा लगा कि आज हम यदि कुछ नहीं भूले होंगे तो इतनी पुनरावृत्ति हो गई है कि ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी से लेकर के रीसेंट एरा से लेकर के मॉडर्न और रीसेंट और उसके बाद अति मॉडर्न के साथ उसी उसके साथ मैं तो ये देख रहा था सर कि मैं 77 में क्लासरूम में आपके सामने बैठा हूँ और आपके द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विचार का विकास का इतिहास तो विधि तंत्र जो हमारी भूगोल विषय की है जो भौगोलिक विचारधारा थाट को सर जिस तरह से आपने पढ़ाया और उसी बात को लेकर के जितने विद्यार्थी आपके जिला स्तर पर संभाग स्तर पर प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, गुरुदेव निश्चित रूप से हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम किसी संबंध में जैसे यादव जी ने बोला कि सूर्य को दीपक, मगर हमें सर आपके विद्यार्थी के रूप में हमें इतना गर्व है कि ऐसे गुरु हमको प्राप्त हुए हैं। और मुझे जहाँ तक याद है सर आपकी तीसरी या चौथी, मेरा तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी में था यादव जी, उसके बाद मीना जी, ये सब लोग आ गए, तो सर चौथी और पांचवी पीढ़ी के आपके तमाम विद्यार्थियों ने आपका नाम लेकर के आपका आशीर्वाद लेकर के, और सर अभी आप खुद देखिए हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर से कि इसी प्रकार से फिटनेस को हम बरकरार रखें जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, और इसी प्रकार से दर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिछुआ कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और जो कुछ भी गुरुदेव आपको सुन रहे हैं कि इस कदर से आपने ज्योग्राफी को स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस कंपेरिजन को लेते हुए, उस तुलना को लेते हुए कि वो तो हम भी बहस करते थे कि ज्योग्राफी इज द अर्थली सब्जेक्ट बट ह्यूमनली साइंस, कि इससे बढ़ के जैसे बोला कि सबसे बड़ी माता है ये सब विषयों की, और इस बात को लेकर के कई बार कि हम कभी यदि आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे गुरुदेव डॉक्टर सीकल श्री कमल शर्मा से डिस्कशन करवा देंगे। तो गुरुदेव बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज हमारा बहुत अच्छा दिन, और हमेशा आप तो हम लोगों के सर पूरे दिल में शरीर में हमारी सर आत्मा है, और सभी की ओर से सभी आपके विद्यार्थियों से विद्यार्थियों के विद्यार्थियों की ओर से सत सत वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और इसी प्रकार सर आप हमें बीच बीच में अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देते रहे। दूसरी चीज डॉक्टर आर पी यादव, क्या कहावत है, एक बार सर वर्मा सर के पास आते थे हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, दूर बैठते थे, मगर आपने वर्मा जी ने बोले कि भाई आप हमारे विद्यार्थी थे, एट प्रेजेंट टाइम यू आर माई कलीग, तो बाजू में बैठाते थे, बड़ा डर लगता था हमको सर, और अभी भी हेजिटेशन तो रहता ही है। तो यादव जी इसी प्रकार से जो सर्व सुलभ है, और दरअसल क्या है कि कंपैरिजन तो हम करते नहीं है, जब कभी भी आपने किसी प्रकार रिक्वेस्ट किया निवेदन किया है, हमारे अहोभाग्य है कि सर ने उसको सहर से स्वीकार किया है अपने आने वाली पीढ़ियों के हित में, और कभी भी मना नहीं किया है, उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है। मैं बड़े बड़े अच्छे उससे कि आज का दिन मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि बलिहारी भैया आपकी गुरु गोविंद दियो बताए, तो बहुत अच्छा रहा हम सूचना देने के लिए, और आपके आने वाली पीढ़ी की ओर से गुरुदेव
और कभी कभी कोई त्रुटि है तो हम तो क्षमा एडवांस में मांग चुके हैं, और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जिस गुरु ने हमको इस चीज में लगाया है उस गुरु के लिए कम से कम हम अपने कर्तव्य पर, और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं सर आपकी आज भी वो तमाम ज्ञान, उस ज्ञान में भले कितनी इनोवेशन हो रहा हो, कितना ही भी उसमें चेंज आ रहा हो, मगर वास्तव में सर हमारा जीवन धन हो गया। मैं प्रणाम करता हूँ और ये करता हूँ कि सर कि मेरे साथ आप सभी अपने आने वाली पीढ़ी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सर बारंबार अभिनंदन प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरुदेव। सर को सुनने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद थे सर। अभी सुनील विश्वकर्मा सर दिख रहे हैं, विजय सिरसाम सर दिख रहे हैं, इसके अलावा छपारा से अजय राय जी, अर्चना यादव जी को, और सर को बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ सर। सर स्वागत। और ये अद्भुत पल होते हैं जब सर को सुनने का मौका मिलता है, और जो वास्तव में जो बात कही नामदेव जी ने वो बात अक्षरशः बिल्कुल ऊपर उतरती है, और आज भी ऐसे लगने लगता है कि हम लोग विद्यार्थी हैं, सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, और वही भाव कॉलेज में भी आता है। लेकिन अब आजकल थोड़ा सा ये दुख होता है कि विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं मिलते, कक्षाओं में विद्यार्थी कम मिलते हैं, और लगता है कि एक बार सर से मिलाना चाहिए, एक बार सर के दर्शन कर लें। वो सर दिव्य स्वरूप देख के ही लगता है कि वास्तव में भूगोल क्या है। कभी कोई बात होती है तो लगता है कि सर से मिलवा दें और बात करें उसमें, कि बात भूगोल की गहराई को समझना है या सीखना है तो एक बार श्री कमल शर्मा जी से जरूर उनका लेक्चर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पाठ याद कर लिया है आज। नहीं, आज क्या है सर, हमने जो लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था तो हमारे सुनील विश्वकर्मा जी जोड़, पीके अहिरवार साहब दिख रहे हैं, और इसके अलावा पथरिया से गजेंद्र नामदेव जी, त्रिवेणी ठाकुर जी भी जुड़े थे, प्रताप राजपूत जी सारणी से जुड़े थे, सुनीता मेश्राम मैडम, अर्चना भार्गव मैडम छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े थे, अजय राय जी छपारा से जुड़े थे, उमरन यादव वाशिंग लखनादौन से, संगीता वाशिंगटन मैडम जुन्नार देव से, और शिल्पा अगर मालवा से जुड़ी थी। तो काफी लंबी लिस्ट है जो हमारे सभी साथी आज इस ज्ञान के संसाधन में भागीदार बने हैं, सबका स्वागत। हाँ विश्वकर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। इसमें तो आपका प्रयास श्लाघनीय है सर, इसमें जोड़ने में हमको 15 मिनट से ज्यादा लगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे विद्यार्थी बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए सर। हाँ सर, हम लोग YouTube पर भी रखे थे तो शायद YouTube पर होता तो शायद हो जाता, इसमें लिमिटेशंस रहती हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई, 100 के ऊपर निकल गया था ना सर। जी सर, लेकिन अच्छा रहा सर, सब काफी लोग, सभी काफी साथी लोग शर्मा सर को सुनने के लिए जुड़े, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इसको कन्वीन कर पाए। सर हम लोग मौके ढूंढते हैं कि आपको सुने। गजेंद्र जी आ गए, देखो आपने नाम लिया। सर कह रहे थे जुड़े थे, सर कह रहे थे जुड़े थे, तो मैंने कहा जुड़े थे नहीं, जुड़ा जुड़ू मैं नहीं। और आपको तो सुनने का बस मौका चाहिए, जहाँ भी जो भी लेक्चर होता है तो तुरंत अटेंड करने की कोशिश करते हैं। अब कॉलेज की थोड़ी सी व्यवस्था अलग होगी, वो अलग है, लेकिन फिर भी आपके लेक्चर के लिए समय निकालते जरूर। तामिया में विजय सिरसाम जी हैं सर, बहुत एक्टिव हैं। अब आप लोग ऑनलाइन हो, अब हम लोग तो ऐसे ही है, कभी कभार कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हमें नामदेव जी याद आ रहे थे, वो दिखाई दे गए, बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत दिनों देखा, एक दो साल हो गए, अब उनका आमंत्रण जरूर था, जा नहीं पाए। तो चलिए, रिटायरमेंट के बाद आपका सर एक वो आया था, मैसेज आया था कि मेरे विद्यार्थी अब जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कीजिए। इसमें इतनी गंभीरता थी कि गुरुदेव जो अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमने मैदान छोड़ दिया है, अभी 11 से 5 भूगोल विषय को लेकर के जिस प्रकार का भी परामर्श है तो वह एक प्रकार परामर्श केंद्र घर में है, और मैं अपने जिले में यहाँ वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज 7 जगह यूजी में है, 3 जगह पीजी है,
जरूरत पड़ने पर विदाउट एनी रेमोनरेशन मैं पहुंचता हूं, हमारी जो आने वाली सेना है उसको करता हूं। मगर गुरुदेव वास्तव में द ज्योग्राफी इज द एरियल डिफरेंस, जो सो मैनी कॉन्सेप्ट थे और इस कदर से आपने स्पेशियल एनालिसिस रीजनलिज्म और जो कॉन्सेप्ट का आपने जो वो किया है और जिस तरह से आपने नवीन तरीके से उसको स्थापित किया है, जो कुछ भी सुन रहे हैं आपको जानते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। पिछले जब हमारे विश्वविद्यालय के उसके उपलक्ष्य में जो पिछले साल कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम लगभग सभी लोग आपके विद्यार्थी वहाँ सम्मिलित हुए थे, उस समय भी आपका जो इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन था, निश्चित रूप से सर हम लोग बड़े हृदय के उद्गार रहते हैं कि हजार नहीं कुछ नहीं हमारे लिए तो डॉक्टर श्री कमल शर्मा भी हमारे लखों पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारे लिए फुल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और बगैर किसी उसके साथ सर यही अपेक्षाएं रहती हैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आपका वट वृक्ष बहुत बड़ा तैयार हो गया है, ढेर सारी ब्रांचें हो गई हैं और सभी ब्रांचों में आप जो मुख्य प्रमुख रूट हैं सर उसके माध्यम से पल्लवित प्रफुल्लित और आह्लादित हैं और जैसा आप अपेक्षाएं करते हैं उसमें पूरा प्रयास करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार कि आप स्वस्थ रहें सर और इसी प्रकार से भले ही अंतराल होता है मगर आप तो हमारे सब लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। आपने दो साल बोला तो हम तो प्रतिदिन याद करते हैं और हमारे पास आपके उसमें प्रत्यक्ष नहीं तो इतने फोटोग्राफ्स इतने सब वो हैं, मेरे यहाँ के सेमिनार को तो मैं कभी भी निकाल के देखते रहता हूँ, तो उसमें सर प्रत्यक्ष हैं आप। मैं प्रणाम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ यादव जी इसी तरह से सर को विभिन्न उसके माध्यम से आप स्थापित करते रहेंगे। मेरे यहाँ पर भी मैं लोगों को बोलता हूँ गौर सर हैं या अन्य लोग हैं कि भैया सर को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमें पावर मिलते रहता है, पावर घटता नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है यादव जी। हाँ मीना मैडम आगे नामदेव सर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर नमस्कार। राग के नाम से लड़ जाते हैं। हाँ विजय जी कुछ कह रहे हैं। नामदेव सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार विजय भाई। आप सभी भूगोल के महान विभूतियां जो इतनी सारी जुड़ी हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विजय सिंह सिरसाम शासकीय माध्यम तामिया से जुड़ा हूँ। सर मैं आप सभी के माध्यम से और हमारे ज्योग्राफी कलिक से माध्यम से यादव सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि एमपी में रिफ्रेशर कोर्स के लिए सिर्फ सागर यूजीसी सागर ही अभी एकमात्र साधन है, तो हम जल्द ही हम सर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि बिछुआ कॉलेज जहाँ पर ज्योग्राफी के इतने विशेष विशेषज्ञ हैं तो रिफ्रेशर कोर्स और पीएचडी अनुसंधान संबंधी कोर्स कार्य जल्दी प्रारंभ हो सर। अरे वाह सर क्या बात है। अभी सर मैं रिफ्रेशर कोर्स अभी सागर से अटेंड किया। रिफ्रेशर कोर्स की तमाम बाध्यताएं होती है यूजीसी की। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, तकनीकी रूप से संभव नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में विजय जी मौका आएगा तो हमारे गुरुदेव ने भी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में अपना जो करिकुलम है इसको बहुत स्थापित किया है और कभी मौका आएगा तो एज रिसोर्स पर्सन तो सर पूरे मध्य प्रदेश इंडिया में रहते हैं सर। और यदि ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन में मौका आएगा तो वो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में जरूर प्रवेश। बाकी सागर की बात जो है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन वहां जब आते हैं और वहां लगता है कि हम किसी जगह पर पहुंच गए हैं। हाँ ठीक है रिसोर्स कभी सागर है रानी दुर्गवती है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में चलते रहेंगे मगर सागर मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, तो सागर सागर है महासागर है। तो अच्छा आपने पहल किया, यदि छिंदवाड़ा में मौका आएगा तो उसको संभालेंगे हमारे गुरुदेव जी, उन्हीं के ही निर्देशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन में ये मौके भी भविष्य में आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित हो सकते हैं। और मैं भी प्रयास करूंगा कि गुरुदेव आपका इतना वर्चस्व है प्रशासनिक सोशल कल्चरल, यदि ऐसे कोई मौके आते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो दूर नहीं जाना चाहते तो जरूर इस प्रकार का यादव जी कोशिश करेंगे, ये मेरी बड़ी तमन्ना है। और बहुत वक्त ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ यादव जी से। सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू नामदेव सर। बहुत बहुत मीना जी बहुत बधाई हो, वेल विशेस, सुभासी शुभ आशीर्वाद मैं और मेरे गुरुदेव के द्वारा। और भी किसी के पास कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये प्रश्न थे क्या, इनके जवाब देना है।
मुझे तो लगता है हमारी जो छात्र उनसे कुछ मुझे लगता है सर ऐसे ही प्रश्न आएंगे ऐसे अब हम कार्यक्रम को आगे हर प्रश्नों के जहां उत्तर मिल चुके हैं वहां कोई प्रश्न उपस्थित होने का सवाल ही नहीं है जी सर अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज का जो दिन है हमारे विश्व महाविद्यालय के भूगोल विभाग के समस्त छात्र छात्राओं के साथ साथ अन्य सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े उन सभी भूगोल विषय के छात्र छात्राओं के लिए सौभाग्यशाली रहा है कि आज हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर उपस्थित थे जिनका व्याख्यान हम सभी को सुनने मिला। हम तो सर की पुस्तकें ही पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़कर ही आज हम लोग जहाँ पर हैं उसमें सर की पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है इस पद में आने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमेशा एक परंपरा रही है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे सभी प्रतिभागीगण आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राम प्रकाश डेरिया सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप कृपया सभी के लिए आभार व्याख्यान दीजिए। आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कमल शर्मा सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपने आज व्यस्तम समय से समय निकालकर डायनामिक साइंस और ज्योग्राफी पर अपना विचार व्यक्त किए और आपने बताया कि ज्योग्राफी है क्या और ज्योग्राफी विषय पर आपने बताया कि 18वीं शताब्दी के बाद में विभिन्न देशों के विद्वानों ने इसमें अपनी विवेचना दिया था, उसके बाद में ये धीरे धीरे साइंस का विषय के रूप में आया और आपने बताया कि ज्योग्राफी के विभिन्न पक्षों का भी आपने इसमें वर्णन किया, भौतिक पक्ष, सांस्कृतिक, मानव भूगोल, और आपने भूगोल और अन्य विज्ञानों के बीच संबंध को बड़े ही सरल और सहज शब्दों में आपने आज हमको आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन प्रदान किया हुआ है। सर ये वास्तव में ज्योग्राफी और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे श्रोता हैं इसे जरूर लाभान्वित होंगे। सर मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं संस्था के प्रमुख आदरणीय और भूगोल विभाग अध्यक्ष आदरणीय आर पी यादव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपके मोटिवेशन और मार्गदर्शन से हम इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। मैं समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष और आई के एस प्रभारी आदरणीय पूजा तिवारी मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से हम इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आज के सेमिनार के ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी आदरणीय मीना ठाकरे मैम और को ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी आदरणीय रघुवीर सर और दुजारी भूषण सर और हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य आदरणीय मनीष पटेल सर और कविता चाल मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रम को हम सफल बना पा रहे हैं। मैं आज हमारे कॉलेज के इस कार्यक्रम में दूसरे कॉलेज से जुड़े हुए हमारे रिस्पेक्टेड सर और मैडम और स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे महाविद्यालय के समस्त छात्रों और सभी रिस्पेक्टेड सर और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे आज इसके कार्यक्रम में आज जुड़े और हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम प्रकाश डेरिया सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि हमारे महाविद्यालय की एक परंपरा रही है हम किसी भी कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र के साथ करते हैं, तो आज हम कल्याण मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। Thank you.
आदरणीय प्राचार्य महोदय सर से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। जरूर मैडम, जरूर। बहुत बहुत बधाई सभी को।